हमने लास्ट क्लास में मैंने आपको जो कुछ रिजल्ट्स याद रखने के लिए बोले थे, उसमें से कुछ डेरिवेशन जो आपके स्कूल के एग्जाम्स वगैरह में भी पूछ सकते हैं, वो प्रोबेबल जो छोटे छोटे डेरिवेशन्स हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। लंबे डेरिवेशन्स मैं आपको दिखाऊंगा नहीं, जो भी लंबे वाले डेरिवेशन्स है वो आप गूगल अप ही कर लोगे, अपने टेक्स्ट बुक में ही देखोगे तो आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो मैं छोटे छोटे आपको यूज करके दिखा देता हूँ। ठीक है, आप जस्ट देखो एप्लीकेशंस, यू नो जैसे कैसे सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करते हैं। जैसे एक सोचो कि ऐसा एक क्वेश्चन दिया हुआ है, दी लीनियर मास डेंसिटी ऑफ अ यूनिफॉर्म रॉड यूनिफॉर्म रॉड नहीं हो सकता है, नॉन यूनिफॉर्म रॉड, नॉन यूनिफॉर्म रॉड वेरीज विथ डिस्टेंस एक्स मेजर्ड फ्रॉम वन एंड ए एज लैम्डा इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, वेयर ए एंड बी आर पॉजिटिव कॉन्स्टेंट्स इफ द टोटल लेंथ ऑफ रॉड इज एल, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ सी ओ एम फ्रॉम एंड ए, एंड ए से डिस्टेंस ऑफ सी ओ एम आपको बतानी है। ठीक है, देखो मैं कर रहा हूं, आप चेक करो। सपोज ये मेरा रॉड है, इस रॉड के एक एंड पे मैंने ए और एक एंड पे बी मार्क कर लेते हैं। उसने कह रखा है कि एंड ए से अगर आप डिस्टेंस एक्स पे जाते हो तो इस लोकेशन एक्स पे जो लैम्डा है दैट इज गिवन एज ए एक्स प्लस बी, मतलब कि जीरो से लेके एक्स तक जो डिस्टेंस है, जीरो से लेके एक्स तक का जो डिस्टेंस है, इस पूरे डिस्टेंस में लीनियर मास डेंसिटी कॉन्स्टेंट नहीं है, ये वेरिएबल है। जैसे एक्स की वैल्यू जीरो डालोगे तब वहां का जो डेंसिटी दिखेगा वो आपको सिर्फ बी दिखेगा, एक्स का वैल्यू वन डालोगे तो आपको लीनियर मास डेंसिटी ए इंटू वन प्लस बी दिखेगा, एक्स का वैल्यू टू डालोगे तो वहां का लीनियर मास डेंसिटी अलग दिखेगा। मतलब जीरो से लेके एक्स तक का जो डिस्टेंस है वहां तक लगातार जो लीनियर मास डेंसिटी है वो वेरिएबल है। अब अगर मान लो कि यहाँ पे मैं एक छोटा सा थिकनेस, स्मॉल थिकनेस कंसिडर कर रहा हूँ इस रॉड का, और ये एक एलिमेंटल लेंथ डी एक्स का है, देखो ये वाली जो बीच में एक सेक्शन दिख रही है दैट इज द एलिमेंटल लेंथ डी, एलिमेंटल लेंथ डी एक्स। तो इसकी मास डीएम हम कैसे निकलते हैं आपको याद है, लैम्डा इनटू डीएक्स, याद है? हां सर, डू यू रिमेंबर दिस? और लैम्डा की वैल्यू तो उसने दे ही रखी है, उसको यूज करो ए एक्स प्लस बी एंड इनटू डीएक्स लिख लिया। तो अब अगर आपको एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सीओएम चाहिए, ठीक है, एक्स सीओएम चाहिए, मैंने एक्स इक्वल टू जीरो एंड ए पे ही मान रखा है, ठीक है, तो एक्स मेरा पॉजिटिव राइट की तरफ है, ध्यान रखना। तो सीओएम का जो डिस्टेंस आएगा वो राइट की तरफ एक्स एंड ए से आएगा। तो दिस विल बी, फॉर्मूला क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ डीएम, सॉरी dm into x divided by integration dm, value substitute करें, so this will be integration of dm का value is ax plus b and dx भी है और यहाँ पे एक और x है into dx 0 से लेके l तक and divided by integration of ax plus b and then dx से multiply कर लेंगे। इसमें भी 0 से लेके l तक integrate करेंगे, ऊपर में numerator में a and then x into x x square हो जाएगा और x square का integration x cube by 3 और लिमिट्स डालोगे तो हो जाएगा एल क्यूब बाई थ्री प्लस बी इंटू एक्स डी एक्स, एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन होगा एक्स स्क्वायर बाई टू, लिमिट डालोगे तो हो जाएगा एल स्क्वायर बाई टू डिवाइडेड बाई, अब यहाँ पे होएगा ए इंटू एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन, मतलब वापस से एक्स स्क्वायर बाई टू, मतलब यहाँ पे आएगा एल स्क्वायर बाई टू एंड प्लस बी इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स जो कि सिर्फ एक्स हो जाएगा, लिमिट्स डालोगे तो एल आ जाएगा। इसमें से अगर आप नोटिस करोगे तो एक एल तो हम हटा सकते हैं, एक एल हट गया और यहाँ पे आपके पास एक्सप्रेशन आ रही है टू ए एल प्लस थ्री बी डिवाइडेड बाय एक एल कॉमन आउट कर लिया। हम यहाँ पे अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट एल एंड जीरो लाएंगे तो, हाँ एल और जीरो वही तो लाया ना, जीरो डालोगे तो वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो जीरो ही हो जाएगा ना, इसलिए सिर्फ अपर लिमिट बिठा दिया है।
ठीक है, ठीक है बेटा, ठीक है। अभी यहाँ पे डिनोमिनेटर में जो आपके पास आएगा थ्री टाइम्स ऑफ ए एल प्लस टू बी हो जाएगा। ये देखो ये फाइनल आंसर हो गया, दिस इज द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम द एंड ए। अब इसमें एक और चीज आपसे पूछ सकते हैं, जैसे अगर सपोजिडली उसने ऐसा एक सिचुएशन दिया होता, सपोजिडली ऐसा एक सिचुएशन दिया होता जिसमें उन्होंने ये कह दिया होता कि जो लीनियर मास डेंसिटी होती है, लीनियर मास डेंसिटी है वो डिपेंडेंट अपॉन यू नो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम एंड ए होता। लीनियरली वेरिएशन का एक अलग केस होता है और उसका एक स्पेशल केस होता है जिसको हम डायरेक्ट प्रोपोर्शनल कहते हैं। जैसे ऐसे सोच के देखो, जैसे एक चीज ध्यान रखो, जैसे बोल रहे हैं y varies linearly with x, y varies linearly with x, अगर ऐसा सोचते हैं तो हम क्या लिखते हैं, y is equal to mx plus c, ऐसे सोचते हैं। बट अगर किसी ने बोला है y is proportional to x, y is proportional to x, अगर कोई ऐसा कहता है तो आप इसको सिंपली y equal to mx लिखते हैं, मतलब ये इसको एक स्टेप बढ़ा देते हैं, ऐसे लिखोगे y proportional to x, मतलब ऐसे एंड प्रोपोर्शनल टू तो क्या जाएगा y इक्वल टू ए कांस्टेंट इनटू x। तो अगर देखोगे तो y प्रोपोर्शनल टू x भी एक लीनियर वेरिएशन है, बट एक स्पेशल केस ऑफ लीनियर वेरिएशन है जिसमें c जो इंटरसेप्ट है वो आपका जीरो होना चाहिए। आपको डिफरेंस समझ आ रहा है इन दोनों में, लैंग्वेज में डिफरेंस समझ आ रहा है? हां सर, हां सर, ठीक है। तो अगर सपोजिडली अगर इसी क्वेश्चन में उन्होंने ये बोला होता, मतलब जो अभी क्वेश्चन हमने सॉल्व किया उस क्वेश्चन में उन्होंने ये बोला होता कि जो लीनियर मास डेंसिटी है वो प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस एक्स मेजर्ड फ्रॉम एंड ए है, तो उस केस में जो वाई इंटरसेप्ट में जो सी दिख रहा है वो सी को हमको जीरो लेना पड़ता, तो यहाँ पे वो वाई इंटरसेप्ट कौन था हमारे लिए, बी था ना, देखो तो यस सर बी बी है ना, समझ आ रही है, तो वो बी को जीरो ले लेते। अगर आप बी को जीरो लेते हो तो देखो तो क्या आएगा, इस लास्ट वाली लाइन में बी का वैल्यू जीरो डालो तो देखो तो क्या आ रहा है, 12/3 आ रहा है, देखो तो आ रहा है क्या? हाँ सर, दिख रही है सभी को? हाँ सर, हाँ सर, ठीक है। तो इसको डायरेक्टली यूज करके यहाँ पे ये वाला कम से कम स्टैंडर्ड रिजल्ट याद रखना कि अगर जो लीनियर मास डेंसिटी है वो प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम वन एंड है, तो उस तरह के केसेस में जो सेंटर ऑफ मास का लोकेशन उस एंड ए से आएगा, दैट विल बी एट 12/3, एल बाई टू पे नहीं आएगा, 12/3 पे आएगा, क्योंकि ये आपको लॉजिकली भी सोचना चाहिए राइट की तरफ शिफ्टेड क्यों है, एल बाई टू से राइट की तरफ ही तो है ना 12/3, तो इसका राइट की तरफ शिफ्टेड क्यों है, क्योंकि दूर का जो एलिमेंट है वो ज्यादा हेवियर है और पास का एलिमेंट क्या है, यू नो लेसर हेवी है ना, समझ आ रही है आपको? हाँ सर, ठीक है, इसीलिए राइट की तरफ शिफ्टेड आ रही, तो इसको जस्ट मैं ऑब्जर्वेशन की तरह ध्यान रखने के लिए बता लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, if the linear mass density was proportional to distance x measured from one end, x from one end, then x even जो आती है आपकी वो 2l/3 आती, since b की वैल्यू जीरो डाल देते, ठीक है। ये रिजल्ट देखो, आपको एक एक जगह इसका इस रिजल्ट का एक स्ट्रेट फॉरवर्ड एप्लीकेशन दिखाता हूं। देखो सपोजली आप सोचो एक ट्रायंगुलर प्लेट है, ठीक है, ट्रायंगुलर प्लेट है ये, देखो मैं बना रहा हूं, आप देखो चेक करो, कोई भी शेप का ट्रायंगुलर प्लेट ले सकते हैं, इसमें कोई जरूरी नहीं आपको एक पर्टिकुलर शेप का लेना है, इक्विलैटरल आइसोसेलेस जैसा भी चाहे वैसा ले सकते हैं, ये ट्रायंगुलर प्लेट है जैसे सोचो। अब हमने क्या कर रखा है यहाँ पे सोचो, ये पूरा सॉलिड है ध्यान रखना, ठीक है, दिस इज अ सॉलिड प्लेट, ये 2D फिगर है या 3D फिगर है? 2D सर, 2D, तो DM निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक छोटा सा एलिमेंटल एरिया चूज करना पड़ेगा ना, राइट? सपोजली मैं मान लेता हूँ ये वाली जो डिस्टेंस है, ये लाइन जो है ये x इक्वल टू जीरो की है, और इस ट्रायंगल के लिए मैंने ये वाली आपको हाइट जो दे रखी है, मतलब इधर से हॉरिजॉन्टल हाइट जो दे रखी है, ये आपको h दे रखी है, ठीक है, दिस इज एट अ हाइट h, और अब मैंने आपको क्या कह रखा है, सपोजली इसका बेस का लेंथ भी कुछ मान लेते हैं, लेट अस से ये बेस आपका b है,
ये यूनिफॉर्म ट्रायंगुलर प्लेट है, ठीक है। अब आपको जब आपको एलिमेंट चूज करना है तो आपको तो एक छोटा सा स्ट्रिप चूज करना पड़ेगा, पतला सा स्ट्रिप। तो देखो मैं इधर से एग्जिस्टेंस पे जा रहा हूँ और यहाँ पे dx थिकनेस का एक पतला सा स्ट्रिप चूज किया है। आपको दिख रही है ये टू डायमेंशनल फिगर है ना, जो स्ट्रिप चूज किया मैंने क्या है एरिया है ना। हाँ सर, दिख रहा है आपको। हाँ सर, उसका देखो एक मतलब एक देखोगे इसको तो एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप की तरह आपको दिखेगा, मतलब इधर से थिकनेस dx है और इधर से कुछ ना कुछ तो लेंथ भी है, ठीक है। अगर मैं इसमें सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स लगाऊं तो छोटा वाला ट्रायंगल और बड़ा वाला ट्रायंगल जो बन रहा है उन पे सिमिलैरिटी लगा के क्या हम ये एल फाइंड आउट कर सकते हैं, क्या लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं क्या, बताओ तो मुझे। हाँ सर, राइट। कैसे, एल बाय एक्स ये कितना होना चाहिए, बी बाय एक्स होना चाहिए क्या। तो क्या हमें एल मिल गया क्या, देखो तो बी इंटू एक्स बाई एच मिला है। यस सर, ठीक है। तो अब हम डीएम जब लिखेंगे इसकी मास, सोचो डीएम अगर लिखते हैं तो डीएम की वैल्यू आप क्या लिखते हैं, सोचो डीएम क्या लिखते हैं आप, मास पर यूनिट एरिया, मास पर यूनिट एरिया एंड इनटू द एलिमेंटल एरिया डीए, यही लिखते हैं। समझ आया? हाँ सर, हाँ सर, ठीक है। मास पर यूनिट एरिया में क्या आएगा, एम बाय टोटल एरिया विच इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट मल्टीप्लाइड विद एलिमेंटल एरिया। एलिमेंटल एरिया कितना है, थिकनेस इज डी एक्स एंड हाइट इज एल, एंड एल हमने कितना निकाला, बी इंटू एक्स बाई एच। दिख रही है आपको? हाँ सर, दिख रही है। yes. यहां देखो बी और बी कैंसल आउट हो गया, ठीक है। ये टू न्यूमरेटर में चला जाएगा, सो ये आ रही आपके पास टू एम डिवाइडेड बाई एच स्क्वेयर इंटू एक्स इंटू डी एक्स। दिख रही है आपको? yes, sir. दिख रही है? Yes. आप देखो तो अगर इसको इक्वेलेंटली सोचे तो क्या ये लैम्डा इक्वेलेंट की तरह दिख रहा है, लीनियर मास डेंसिटी की तरह, लैम्डा इंटू डी एक्स जो करते थे। हाँ सर, दिख रहा आपको? हाँ 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 सर, देखो सभी को देखो, ठीक है। आप डीएम निकालने के लिए जब आपको एक लेंथ में निकालना होता था तो आप क्या करते, लैम्डा सीएल इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट के लिए इक्विवेलेंट बोल तो रहा हूँ बेटा, लैम्डा इक्विवेलेंट, इक्यू इक्विवेलेंट के लिए, मतलब कि ये इक्विवेलेंट लीनियर मास डेंसिटी है उस पर्टिकुलर लोकेशन एक्स पे, क्योंकि देखो एक क्वांटिटी के साथ डीएक्स मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो डीएम निकालने के लिए किस चीज को मल्टीप्लाई करोगे डीएक्स के साथ, तो आपको डीएम मिलता है, लैम्डा से ही तो मिलता है ना, है नहीं, ठीक है। तो वही चीज हमने यहां पे कर रखा है। तो ये लैम्डा देखो क्या प्रोपोर्शनल टू एक्स दिख रहा है, दिख रहा है आप सबको? हाँ सर। सो देखो आपको क्या दिख रहा है, लैम्डा इक्विवेलेंट जो है ये प्रोपोर्शनल टू एक्स है, और लैम्डा इक्विवेलेंट प्रोपोर्शनल टू एक्स तो उस केस में एक्सयूएम कितना है आप ये बताओ, कितना था, 12 बाई 3 था या नहीं था, था? हाँ सर। और ये 2h बाई 3 पे ट्रायंगुलर प्लेट का क्या होता है, सेंट्रोइड होता है या नहीं होता है, होता है। हाँ सर, राइट। तो अगर आप अगर आप एपेक्स से देखोगे ट्रायंगल का, तो एपेक्स से 2h बाई 3 पे ही तो उसका सेंट्रोइड होता है ना, और जहां सेंट्रोइड है वही उसका क्या है, सेंटर ऑफ मास है। समझ आया? हाँ सर, ठीक है। तो उसका एप्लीकेशन मैंने आपको दिखाया कि जैसे मतलब जो रिजल्ट आपने निकाला था रॉड के लिए, उस रिजल्ट को मैंने एक प्लेट के लिए भी यूज किया, ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है क्योंकि आपको लीनियर रिजल्ट को यू नो टू डायमेंशनल फिगर के लिए यूज नहीं कर सकते, जहां पे भी आपको कन्वीनियंस दिखता है, जो भी आपने सीख रखा है उसको आप हर जगह यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना। तो इससे आपको क्या पता चल रहा है, इस रिजल्ट से व्हाट यू गेट टू नो फ्रॉम दिस रिजल्ट इज दैट COM ऑफ ट्रायंगुलर प्लेट इज एट सेंट्रोइड, ठीक है। तो ये चीज का सेंट्रोइड पे ही ध्यान रखना। तो मैं अब जस्ट एक छोटा सा डायग्राम ड्रॉ करके रख दे रहा हूं ताकि आपको याद रह जाए। और ये ध्यान रखना ये कोई पर्टिकुलर यू नो जैसे आइसोसेलेस इक्विलेटरल ऐसा कुछ नहीं है, ये सारे ट्रायंगल के शेप के लिए एप्लीकेबल होगा। बोलो, हेलो, बोलो, सुन रहा हूँ। हाँ सर, बोलो, रिक्रूट सुन रहा हूँ। जो ये
हाँ सर, मैं बोल रहा हूँ जो एक्स जो क्या है वो सेंटर ऑफ मास ऑफ एक्स जो आपने 12/3 निकाला, ये मतलब 2D का हर हमारे इरेगुलर हो इरेगुलर हो सभी के लिए वो एप्लीकेबल है। हाँ हाँ शेप मतलब ट्रायंगल, ट्रायंगल का शेप डिसाइड नहीं करेगा, यही इंपॉर्टेंट है। मतलब कि बस उसका सेंट्रोइड आप जहां पे भी लाई कर रहा है वहां पे आपको ध्यान रखना है। बेस से निकालोगे तो वो 1/3 हाइट पे आएगा, और अगर आप यू नो टिप से निकालोगे मतलब एक वर्टेक्स निकालोगे तो ठीक है, तो इसका ध्यान रखना। कहां से ले रहे हो बस ये ध्यान रखना, 2h/3 है वर्टेक्स से, और बेस से निकालेंगे तो h/3 पे, ठीक है। दिस इज द COM, ये पे ध्यान रखना। देखो COM ऑफ अ यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर रिंग, सेमी सर्कुलर रिंग का भी COM निकालते हैं। आपने रिजल्ट याद कर रखे हैं, मैं इसको डिराइव करता हूं, आप देखो यहां पे। देखो दो कोऑर्डिनेट एक्सिस मैंने बनाए, एक मान लेते हैं एक्स एक्सिस है और एक मान लेते हैं वाई एक्सिस है। क्या वाई एक्सिस इसका लाइन ऑफ सिमेट्री है, कह सकते हैं? हाँ सर, ठीक है। सो दिस इज द लाइन ऑफ सिमेट्री, तो पक्का है सेंटर ऑफ मास इसी लाइन पे लाइन करेगा। तो क्या हमें एक्स कोऑर्डिनेट निकालने के लिए मेहनत करना है या वाई कोऑर्डिनेट निकालने के लिए मेहनत करना है? वाई कोऑर्डिनेट, वाई के लिए y कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो हमें सिर्फ और सिर्फ y कोऑर्डिनेट चाहिए, हमें x कोऑर्डिनेट चाहिए नहीं, ठीक है। तो इसको डिराइव करने के लिए, अच्छा डिराइव करने से पहले एक बार पहले रिजल्ट बस आपका बना देता हूं, जस्ट अ सेक। इसकी जो सेंटर ऑफ मास आती है वो आपकी यहाँ पे जो डायमीटर है इस सेमी सर्कल की, उसकी डायमीटर से 2r/π आती है। आप एक बार अपना फॉर्मूला यूज करके देखो, तो आपने क्या यूज किया था, r साइन थीटा बाय 2 / θ/2, यही था ना? हाँ सर। एक बार देखो तो मैच कर रहा है क्या, मैच कर रहा है क्या? थीटा कितना है यहाँ पे, पाई है ना? पाई, राइट? आपको वहां पे वैसे ही छोड़ दिया, उसको डर्टी नहीं कर रहे, मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ आपको डेरिवेशन। देखो सपोजली आपने क्या किया, यहाँ पे एक थीटा एंगल पे गए आप, यहाँ पे थीटा एंगल पे जा रहे हैं, और यहाँ पे डी थीटा का एक पतला सा स्ट्रिप चूज किया है। तो देखो तो यहाँ पे ये एक छोटा सा एलिमेंटल लेंथ बन रहा है, आपको दिख रहा है? Can you see this? अगर इसकी रेडियस r है तो इसका लेंथ कितना होगा, इसकी लेंथ को अगर मैं dl लिखता हूँ तो कितना होगा, r into d theta होगी, नहीं होगा, राइट? r into d theta इसकी लेंथ हो जाएगी। ऐसे ही सिमेट्रिकली, ठीक है, ऐसे ही सिमेट्रिकली देखो, एग्जैक्टली सिमेट्रिकली आप दूसरी तरफ भी एंगल्स चूज करो, ऐसे ही एलिमेंट चूज करो एकदम सिमेट्रिकल तरीके से, जैसा आपने उस तरफ चूज किया वैसा ही एलिमेंट इधर भी चूज करो। तो मैं इधर भी एलिमेंट्स चूज कर रहा हूं, देखो आप, ये इधर थीटा पे डी थीटा का एक स्ट्रिप चूज किया, ठीक है, एकदम बिल्कुल सिमेट्रिकल जैसे उधर चूज किया वैसे ही। ये क्यों चूज किया अब आपको समझ में आएगा। देखो मैंने इस क्वेश्चन को दो पॉइंट मास का बनाया है, आपको दिख रहा है, एक इस तरफ पॉइंट मास है और एक इस तरफ पॉइंट मास है, दोनों आइडेंटिकल है या नहीं है? हाँ सर आइडेंटिकल है। तो इस केस में दोनों का कंबाइंड सीएम कहां पे होगा, उसके बीच में लाई करेगा नहीं लाई करेगा, है ना? हां सर यस। तो इस दोनों को कंबाइन करके हम कहां पे मान सकते हैं, अगर ये डीएम है और ये डीएम है तो इन दोनों का कंबाइंड 2dm कहां पे है, यहां पे है, दोनों के मीट पॉइंट, समझ आ रही है आपको? हां सर, राइट, 2dm है यहां पे। तो अब आपको इसका वाई कोऑर्डिनेट कितना दिख रहा है बताओ, तो मुझे ये वाई कोऑर्डिनेट कितनी दिख रही है, r sin theta दिख रही है आपको? Yes, sir.
तो y c m अगर निकालना है पूरे फिगर का तो हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ dm into x होता था, dm यहाँ पे कितना है 2dm है ना, into y, y कितना है r sin theta and divided by integration of 2dm, दिख रही है आपको? Yes, देखिए आपको ये 2 तो हट ही जाएगा, dm की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, dm की वैल्यू कैसे लिखोगे, मास पर यूनिट लेंथ into लेंथ, क्योंकि छोटा सा लेंथ ही है ना वो, तो इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करें तो क्या लिखेंगे m by pi r, या इसको लैम्डा ही लिख लेते हैं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अच्छा ठीक है लेने देते हैं m by pi r, ठीक है m by pi r ये हो गया मास पर यूनिट लेंथ, एंड उसका छोटा सा लेंथ था r into d theta, एंड यहाँ पे r sin of theta by sorry theta, और इसकी इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई बाई 2 तक होगी, 0 से पाई तक नहीं होगी, 0 से पाई बाई 2, क्यों, क्योंकि मैंने एक साथ दोनों एलिमेंट यूज किया है, तो जब आप 0 से लेके पाई तक जाओगे, पाई बाई 2 तक जाओगे तो पूरा का पूरा रिंग देखो कवर हो जाएगा, दिख रहा है आपको? हाँ सर, आई एबल टू सी, ठीक है पूरा का पूरा एलिमेंट कवर हो जाएगा, अगर आप सिर्फ डीएम के साथ कैलकुलेशन करते मतलब 2dm नहीं लेते तब उस केस में 0 से लेके पाई तक इंटीग्रेट करना पड़ता, फॉर्मूला यही लिखते आप, उस केस में 2dm नहीं लिखते सिर्फ dm लिखते, समझ आ रही है, समझ आ रही है बेटा? हाँ सर, ठीक है, तो देखो यहाँ पे इसलिए पाई बाई टू तक लिमिट डाला, एंड इंटीग्रेशन डीएम तो सिंपली एम हो जाएगा, तो एम को एम ही रहने दे दिया, ये एम और ये एम कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, यहाँ से आर भी कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ से देखो आपके पास आ रही है आर बाई पाई, ये कांस्टेंट की तरह बाहर आ गई, अरे कुछ छूट गया, एक गड़बड़ किया क्या, 2r बाई पाई तो नहीं आ रही है, r बाई पाई आ रही है, एक मिनट रुके कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक किया मैंने, इधर पे डीएम, ये डीएम, जस्ट अ सेक, m by 2 pi r होगा ना मास पर, अच्छा 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 यहाँ पे एक गड़बड़ के देखो, यहाँ पे जब हम इंटीग्रेशन 2dm हमने लिखा है, देखो डिनोमिनेटर में जो इंटीग्रेशन 2dm लिखा है तो उसमें dm का जब हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो 0 से लेके पाई बाई 2 तक इंटीग्रेट कर रहे हैं ना, है ना, है ना, तो उस केस में सारा मास आएगा या हाफ ऑफ मास आएगा, हाफ आएगा सर, है ना, तो इसलिए यहाँ पे कैलकुलेशन में मैंने मिस्टेक किया, यहाँ पे m बाई 2 आना था, ठीक है यहाँ पे m बाई 2 आना था, वो वाला 2 इसमें छूट गया था, तो अभी देखो यहाँ पे ये 2 2r बाई पाई हो जाएगा, और इंटीग्रेशन में देखो आपके पास क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा, ना ना ये तो गड़बड़ी लिख रहा हूँ, एक मिनट, नहीं ठीक, साइन थीटा, ठीक है साइन थीटा इंटू डी थीटा, एंड यहाँ पे फिर अभी 0 से लेके आपका पाई बाई 2 तक इंटीग्रेट कर लेंगे, अभी चेक करो ये क्या रही है, 2r बाई पाई लिखा, एंड साइन थीटा का इंटीग्रेशन बताओ कितना आएगा, माइनस कॉस थीटा, राइट, हाँ सर, कॉस थीटा, माइनस ऑफ कॉस थीटा लिखा, एंड इसमें आप 0 से लेके पाई बाई 2 तक इंटीग्रेट करोगे, देखो ये कितनी आ रही है 2r बाई पाई, एंड अपर लिमिट तो आपका 0 हो जाएगा, एंड माइनस ऑफ माइनस कॉस 0 जो कि 1 हो जाएगा, देखो 2r बाई पाई मैच कर रही है, दिख रही है आपको? Yes, sir. ठीक है सर, वो m by 2 कैसे हुआ वो एक बार बता लें, बता देता हूँ बेटा, देखो हमने जो इंटीग्रेशन किया उस इंटीग्रेशन के वक्त हमने जो dm चूज किया है वो dm दोनों तरफ सिमेट्रिकली चूज किया और उन दोनों को मिला के हमने एक साथ 2dm सेंटर पे रख दिया था, उनके सेंटर पे रख दिया था, राइट, है ना, समझ आ रही है आपको? हाँ सर, तो जब आप इंटीग्रेशन कर रहे थे तो उस केस में लिमिट आपने जो थीटा का यूज किया वो 0 से लेके पाई बाई 2 तक यूज किया, देखो यहां से स्टार्ट करके हम यहां तक जा रहे थे, इसी से पूरा का पूरा रिंग हमारा कवर हो जा रहा था, तो जब इंटीग्रेशन हमने डीएम लिखा तो वो डीएम का इंटीग्रेशन बेसिकली एक हाफ के लिए है या दूसरे हाफ के लिए या दोनों हाफ के लिए है, तुम सोच के देखो, डीएम हमने तो एक हाफ में ही लिया है ना, है ना, हाँ सर, एक हाफ के लिए, तो जब आप इंटीग्रेट करोगे 0 से लेके पाई बाई 2 तक तो क्या पूरा रिंग का मास कवर होगा या हाफ रिंग का मास कवर होगा? पूरा रिंग, मास में बोल रहा हूं, डीएम का इंटीग्रेशन के वक्त बोल रहा हूं, डीएम के इंटीग्रेशन हाफ होगा ना, हाँ। देखो इसको अगर आप ऐसे नहीं करते, देखो मैं आपको एक और तरीका दिखाता हूं कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए, देखो ऑल्टरनेटिवली अगर आप सिर्फ और सिर्फ एक हाफ के लिए करते कंसिडरिंग ओनली डीएम, ठीक है,
अगर आप y cum लिखते तो आप क्या लिखते, बेसिक डेफिनेशन यूज करो, इंटीग्रेशन ऑफ dm इनटू y डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन dm. अब 2 मत लिखो, ठीक है, 2 मत लिखो. इसके साथ क्या लिखोगे आप, इंटीग्रेशन ऑफ dm, dm मतलब लिख लिया यहां पे m by pi r and into उसका लेंथ व्हिच इज r d थीटा एंड इनटू r sin थीटा, ठीक है. अब यहां पे 0 से लेके पाई तक इंटीग्रेट करो, अब पाई बाय 2 मत इंटीग्रेट करो, और यहां पे इंटीग्रेशन dm तो सिंपली m हो जाएगा. ये समझ आ रहा है? देखो लिमिट, देखो लिमिट, देखो इसमें 0 से लेके पाई तक लिमिट लिया है, तब डिनोमिनेटर में देखो क्या है आपका, m है, इंटीग्रेशन dm का वैल्यू m है. बट इधर देखो मैंने क्या किया है, लिमिट देखो 0 से लेके पाई बाय 2 तक है, इसीलिए m का इंटीग्रेशन मेरे को m बाय 2 मिल रहा है, dm का इंटीग्रेशन m बाय 2 मिल रहा है. समझ आई? यस सर. ठीक है, आप इससे करो एग्जैक्टली सेम आ जाएगा, इससे करोगे एग्जैक्टली आपका 2r बाय पाई आ जाएगा. ठीक है, ये 2r बाय पाई फिर से आ जाएगा. ओके, इस रिजल्ट को यूज करके देखो, आपको एक अच्छा रिजल्ट दिखाता हूं. अभी आपको सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर डिस्क दिखाते हैं, COM ऑफ अ यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर डिस्क. इस बार डिस्क है, रिंग नहीं है. एक काम करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे कलर फिल कर दूंगा. अच्छा नहीं, ठीक है, एक ही बात करते हैं इसको. बीच में शेडिंग कर रहा हूं ताकि पता चले आपको कि सॉलिड है, बीच में खाली नहीं है. दैट इज व्हाट आई एम डूइंग दिस शेडिंग. ओहो, इसी से पता चलता है नो कि जैसे आप तो ये डायग्राम देख के तो लगे बीच में खाली है, तो इसलिए शेडिंग कर लिया करो ताकि पता चले क्यों ना कि वो फिल्ड है. आप कॉपी में करोगे तब तो इस तरह से नहीं कर पाओगे, आप शेडिंग कर लेना बस वहां पे, मतलब क्रिस क्रॉस लाइंस बना देना जस्ट इंडिकेट कि वो फिल्ड है. ठीक है, अभी हमारे लिए एक डिस्क बन गया है. चलो ठीक है, अभी देखो, अब हमने क्या कर रखा है, इसका सेंटर ऑफ मास लोकेट करना है. आप फॉर्मूला यूज करके बताओ, तो आपने जो याद किया है उस फॉर्मूला को यूज करके बताओ कितना आना चाहिए इसका सेंटर ऑफ मास, बताओ. 4/3 r/3 सही आ रहा है, ये 4r/3 आएगा इसका. मैं इसको भी डिराइव करूंगा क्योंकि इसका डेरिवेशन बहुत छोटा है, बिना इंटीग्रेशन का करूंगा. आपको बुक्स में जो इसका डेरिवेशन दिखेगा वो इंटीग्रेशन के साथ दिखेगा, मैं आपको बिना इंटीग्रेशन का दिखाऊंगा. एक इंटीग्रेशन भी दिखा दूंगा आपको ताकि आपको समझ आए कि कैसे एलिमेंट्स चूज करना है, वो भी आपको आना चाहिए. 4r/3 के सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस है, डायमीटर से. ठीक है, देखो इसका डेरिवेशन मैं आपको दो तरह से करके दिखाता हूँ, एक इंटीग्रेशन वाला तरीका है और एक बिना इंटीग्रेशन वाला. अच्छा ठीक है, पहले इंटीग्रेशन वाला ही बता देता हूं. सपोजली मैंने यहां पे एलिमेंट जो चूज किया है वो ऐसे रिंग के शेप में चूज किया है, ठीक है, सेमी सर्कुलर रिंग्स. ये देखो ऐसे सेमी सर्कुलर रिंग्स चूज कर रहे हैं, सेमी सर्कल है वो ध्यान रखना आप, ये फुल सर्कल नहीं है. अब हमने क्या किया यहाँ पे, सपोजली ये r डिस्टेंस पे जा रहे हैं एंड यहाँ पे dr थिकनेस का एक पतला सा स्ट्रिप चूज कर रखा है, तो देखो एलिमेंटल मास जो एक पतला सा स्ट्रिप है आपको दिख रहा है. Yes, sir. दिख रही है? Yes, sir.
ये जो स्ट्रिप है, ये जो स्ट्रिप है, ये स्ट्रिप एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप की तरह है ना, पतला सा? यस सर। ठीक है, ये देखो, ये ऐसा एक स्ट्रिप की तरह आपको दिखेगा। ये स्ट्रिप का जो लेंथ है वो कितना है, पाई इंटू आर है, और इसकी जो थिकनेस है देखो, ये डी आर है, देख रही है आपको? ठीक है, तो इसके लिए अगर मैं डी ए लिखूं तो डी ए कितना होगा, लेंथ मतलब पाई आर एंड इंटू थिकनेस विच इज डी आर, समझ आई? हाँ सर। तो इसका मास अगर हम डीएम लिखेंगे, डीएम मास अगर इसके लिखे तो डीएम मास कितनी आएगी, पाई सॉरी एम बाई पाई आर स्क्वेयर, ये हो गया मास पर यूनिट एरिया, इंटू उसका एरिया विच इज पाई आर इंटू डी आर। ये पाई पाई कैंसल आउट हो गया, यहाँ से आ रही है एम बाई, अच्छा पाई आर स्क्वायर बाई टू होगा, सॉरी पाई स्क्वायर बाई टू होगा ना, है ना, हाफ ऑफ सर्कल है ना, सो दिस बिकम्स टू एम बाई आर स्क्वेयर एंड इंटू आर इंटू डी आर आ गया। ठीक है, ये डीएम की वैल्यू हो गई है। अब वैल्यू यूज करते हैं, सो वाई सी एम विल बी इंटीग्रेशन ऑफ डी एम इंटू वाई डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी एम। अभी बताओ मुझे कि सेंटर ऑफ मास जो आपका सेमी सर्कुलर रिंग का होता है वो कहाँ पे होता है, 2R by अभी याद किया ना आपने, 2R by pi पे है, नहीं था राइट? तो ये जो COM मैंने मार्क कर रखा है, ये COM जो मार्क कर रखा है अभी यहाँ पे, दिस COM इज ऑफ सेमी सर्कुलर रिंग जो बनाया मैंने। ठीक है, सेमी सर्कुलर रिंग आपको याद है, मैंने आपको बताया था कि जो हम इंटीग्रेशन डीएम इंटू वाई लिखते हैं डिवाइड बाई इंटीग्रेशन डीएम, ये वाई क्या होता है, COM of the elemental mass dm, याद है आपको? हाँ सर। यस सर। हाँ सर। तो इस केस में आप देखो, इस केस में देखो, ये वाली डिस्टेंस जो होनी चाहिए थी, ये आपको पता है 2r by pi, ये आपने ऑलरेडी डिराइव कर रखा है, दिस डिस्टेंस शुड हैव बीन 2r by pi होनी चाहिए थी। तो वैल्यू को यूज करें, यही y है हमारा, ठीक है, दिस इज y, तो इसको लिख रहे हैं इंटीग्रेशन dm व्हिच इज 2m 2m डिवाइडेड बाय r स्क्वायर इनटू r dr एंड दिस मल्टीप्लाइड विथ वाई का वैल्यू, वाई का वैल्यू इज, अच्छा आर स्मॉल होगा यहाँ पे, स्मॉल आर होगा बेटा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि रिंग का रेडियस हमारा स्मॉल आर चूज किया हमने, वो वेरिएबल है, तो यहाँ पे आएगा 2R by pi आएगा, एंड डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन डी एम, तो सिंपली आपका एम हो जाएगा, ये एम एम कैंसिल आउट हो जाएगा, और आर की लिमिट जीरो से लेके कैपिटल आर तक आपको चूज करनी है। तो वैल्यू सबसे शूट करें जैसे अभी, सो टू टू ज़ा फोर, फोर बाई पाई आर स्क्वेयर एंड आर स्क्वेयर डी आर विच इज आर क्यूब बाई थ्री, देखो कितनी आ रही है, फोर आर बाई थ्री पाई, जो कि आपका रिजल्ट मैच कर रहा है, मैच कर रहा है। हाँ सर। सर एक डाउट है सर, वो जो वाई का वैल्यू बैठा है आपने, वो एक बार बता दीजिए। अरे आपको बताया तो था बेटा कि जो आप इंटीग्रेशन डीएम इंटू वाई डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन डीएम लिखते हैं, ये जो वाई होता है ये क्या होता है, आप ये बताओ मुझे, वाई क्या होता है, मास का सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट। That's it. तो elemental mass आपका कौन था? DM. कौन था elemental mass? Ring. Semicircular. Shape बताओ. Shape बताओ. Semicircular ring. Semicircular ring का COM कहाँ पे होता है? और semicircular ring का COM कहाँ पे होता है? 2r by pi पे होता है. R radius. ठीक है. That's it. तो वो use करना था. अगर यहाँ पे अगर आप simply y लिखते हैं और y का value r डाल देते तो सब गलत हो जाता. ठीक है? चलो ठीक है, ये तो मैंने आपको इंटीग्रेशन से बताया, अब देखो आप इसका ब्यूटी देखो, मैं आपको बिना इंटीग्रेशन का बताता हूं। पहला डेरिवेशन जो मैंने किया है वो तो आपको बुक्स में मिल जाएगा, ये वाला आपको बुक्स में नहीं मिलेगा, मैं आपको दिखाता हूँ ये वाला, देखो ये बेटर बहुत अच्छा तरीका है, इससे समझ आएगा कि आप यू नो कि सीओएम को कितना अच्छे से विजुअलाइज कर पाते हैं। ऑल्टरनेटिव तरीका देखा, मैंने आपको बताया था ना कि जैसे सेमी सर्कल में मैंने आपको एलिमेंटल मास, अगर आपको याद हो लास्ट डे भी मैंने आपको यूज करके दिखाया था, एक तो रिंग्स बनाए थे और पतले पतले ट्रायंगल्स भी बनाए थे, आपको याद है? हाँ सर। Do you remember? हाँ सर। तो वैसे ही अगर मैं पतले पतले ट्रायंगुलर स्ट्रिप सपोजली यहाँ पे डिवाइड करता, सपोजली मैं यहाँ पे पतले पतले ट्रायंगुलर स्ट्रिप्स डिवाइड कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे बहुत पतले, मतलब जितना पतला आप इमेजिन कर सकते हो उतना पतला, मतलब जस्ट बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप पतला पतला स्टेप बनाएंगे तो बेटर आएगा। ठीक है, जस्ट थोड़ा पेशेंस रखो, ये थोड़ा टाइम टेकिंग है, क्योंकि पतला बनाना है उससे आइडिया अच्छा आएगा आपको, मोटा बनाने से आप इतने अच्छे से फील नहीं कर पाओगे।
ये देखो, आप ये देखोगे सारे ट्राइंगल जो मैंने बनाए हैं, सारे ट्राइंगल का हाइट ऑलमोस्ट रेडियस ऑफ सर्कल है या नहीं है? है? और ट्राइंगल के लिए जब सेंटर ऑफ मास का लोकेशन बताते हैं तो कितने दूर पे बताते हैं? वर्टेक्स से 2h/3 पे, 2h/3। ठीक है, तो इस केस में आप ये सोच के देखो कि अगर मैं इन सारे ट्राइंगुलर स्ट्रिप्स के लिए अगर सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट्स बताऊं तो क्या हम ऐसे बता सकते हैं? ये देखो क्रॉस जो मार्क कर रहा हूं, ये सारा क्रॉस सेंटर ऑफ सेमी सर्कुलर डिस्क से सेम डिस्टेंस पे होगा? होगा सर, हाँ। ठीक है, कितना होना चाहिए डिस्टेंस? 2r/3। 2r/3 सर, 2r/3। समझ आ रही है आपको? अच्छी बात है। सो दिस डिस्टेंस इज 2r/3। नाउ दिस इज नोन टू यू। देखो तो आपको क्या दिख रहा है अब, ये डिस्क को क्या मैंने एक सेमी सर्कुलर रिंग में कन्वर्ट कर दिया? हाँ सर। सॉरी, 2r/3 होगा, 2r/π लिखा मैंने। उफ, क्या लिखा, 2r/3। ठीक है, तो अब सेमी सर्कुलर रिंग के लिए सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होता है ये बताओ मुझे? 2r/π सर। और इसका आर कितना आया है? 2r/3। रेडियस कितनी आई है? 2r/3। तो क्या होना चाहिए? 2/π टाइम्स ऑफ 2r/3। और ये कितना आ गया? 4r/3π। दिख रहा है आपको? देखो। हाँ सर। हाँ सर। मैच कर गया? इसमें क्या हमने इंटीग्रेशन किया? नहीं ना? बट इसमें दो रिजल्ट्स हमने कॉम्बाइन किए। कौन कौन से रिजल्ट? एक है ट्राइंगल का सीएम जहां पे होता है, और एक सेमी सर्कुलर रिंग का जहां पे सीएम होता है। इन दोनों को कॉम्बाइन करके हमने डिस्क का सीएम निकाला। ठीक है, हाँ बेटा बोलो। सर ये जो आपने बिठाया है यहाँ पे सेमी सर्कुलर रिंग के 2r/π और r की जगह आपने 2r/3 बिठाया है, तो वो r की जगह हम 2r/3 क्यों ले रहे हैं? ट्रायंगल आप बताओ ना मुझे, सेमी सर्कुलर रिंग जो बना हमारा। ओहो, सेमी सर्कुलर जो रेड कलर का जो क्रॉस से हमने मार्क कर रखा, देखो रेड कलर का जो क्रॉस मार्क किया है उसका रेडियस कितना है? ओ अच्छा अच्छा, रेड कलर का। ठीक है, हाँ सर, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये आसान जो कुछ रिजल्ट्स से मैंने वो आपको कुछ पूछ रहे हैं कोई फिर से? सर मेक लाइन ऑफ सिमेट्री का लेके क्वेश्चन। हाँ हाँ पूछिए। लाइन ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या? वो लाइन है जिसके दो साइड पे शेप एक है, या फिर वो लाइन जिसके दो साइड पे मास एक? मास और शेप दोनों एक ही। मतलब अगर दो साइड पे मास सेम है तो फिर हम क्या उसको लाइन ऑफ सिमेट्री बोल सकते हैं? नहीं, शेप भी एक होना चाहिए। ओके सर, शेप भी एक होना चाहिए, मास भी एक होना चाहिए। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है जैसे कि अगर मान लो कि मुझे जैसे एक कोई एक रॉड बना के दे दे और उसमें एक पेंट लगा दे, रेड कलर का पेंट लगा दे, तो मुझे तो वो एक ही रॉड दिखेगा, राइट? है ना। बट इमेजिन करो कि उसका राइट का पोर्शन अल्यूमिनियम का बना हुआ है और लेफ्ट का पोर्शन जो है वो आयरन का बना हुआ है, तो तुम्हें लगता है कि अगर मैं बीच से एक लाइन खींच दूं तो वो लाइन ऑफ सिमेट्री होगा? नहीं सर, नहीं होगा ना। नहीं, आर यू गेटिंग इट? तो शेप तो एक जैसा दिख रहा है, दोनों तरफ तो शेप एक जैसा दिख रहा है, बट लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं कह सकते आप उसको, क्यों? क्योंकि लेफ्ट का पोर्शन हैवियर है, राइट का पोर्शन लाइटर है। समझ आ रही है? हां सर। अब तुम अगर ऐसा एक पॉइंट ढूंढते जहां पे दोनों तरफ मास इक्वल हो गए तो वहां से भी लाइन बनाते तो उसको लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं कह सकते थे, क्योंकि दोनों तरफ का लेंथ अलग अलग होगा, है ना? तो मैंने सोचा सर ट्रायंगल में जो सेंटर्ड होता है वो ना, मतलब मीडियन का इंटरसेक्शन होता है ना, और मीडियन को इक्वल एरिया में डिवाइड करता है, तो इक्वल मास में डिवाइड करता है एक ट्रायंगल को मीडियन, तो उसको क्या लाइन ऑफ सिमेट्री सोच सकते हैं जो इक्वल मास में डिवाइड? नहीं 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 नहीं, वो नहीं है। लाइन ऑफ सिमेट्री जनरली हम इसके लिए यूज करें जहां पे एलिमेंटल मासेस का डिस्ट्रीब्यूशन और जो शेप ऑफ ऑब्जेक्ट है वो दोनों तरफ एक जैसा दिखे, तभी आप बोल रहे हैं। ठीक है, ओके सर। Okay.
ओके, और जो दो रिजल्ट से मैं एक बार खाली लिख देता हूँ ताकि आपके कॉपी में भी कम से कम रह जाए, मुझे पता नहीं है कि आप लोगों ने लिखा है कि नहीं। अब ये जो दो रिजल्ट लिखने वाला हूँ, एक हेमिस्फेरिकल शेल का और एक सॉलिड हेमिस्फीयर का, ठीक है, वो रिजल्ट्स मैं डिराइव नहीं करूंगा, लंबा है काफी, ठीक है, इसको कोई काम का नहीं है इसलिए डिराइव नहीं कर रहा हूं। अगर काम का होता तो जरूर डिराइव कर देता मैं आपके लिए। आपको अगर मन है तो फिर आप जरूर एक बार देख लीजिएगा, अपने टेक्स्ट बुक्स में आपको मिल जाएगा या फिर गूगल अप कर लेना, तुरंत से मिल जाएगा। तो मैं जस्ट रिजल्ट लिख के रख दे रहा हूँ क्योंकि रिजल्ट हमारे काम का है, COM ऑफ अ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर ऑब्वियसली यूनिफॉर्म ले रहे हैं, ठीक है, और इसी में दो कैटेगरी बना दे रहे हैं, ठीक है, एक हॉलो कर ले रहे हैं, हॉलो और एक सॉलिड। हॉलो दिखाना है तो ऐसे दिखा दो, ऐसे बनाओ और नीचे में खाली रहने दो, कुछ शेडिंग वेडिंग नहीं करो, उसका ज्योमेट्रिकल सेंटर मार्क करो, ये ज्योमेट्रिकल सेंटर है, और एक उसका COM मार्क करो, और ये जो डिस्टेंस होएगी, ये डिस्टेंस आपकी r by 2 आएगी, r मतलब रेडियस है, ठीक है। इसी चीज को एक बार डुप्लीकेट कर लेते हैं, और नीचे से इसको शेड कर देते हैं इस बार, जस्ट इंडिकेट किए नीचे से खाली नहीं है, मतलब ये भरती है, सॉलिड है, दिस इज सॉलिड हेमिस्फीयर। और ये आती है, कितनी आती है आपको याद है, कितनी आती है, 3r/8 थी ना, थी, ठीक है। तो ये दोनों रिजल्ट को बस आप याद रखिएगा, और एक सिमिलर तरीके से कोन का भी है, COM ऑफ अ यूनिफॉर्म कोन, अच्छा इसमें भी दो केसेस बना लेते हैं, एक है हॉलो और एक सॉलिड। आपको रिजल्ट्स याद रखने हैं, ठीक है, भूलिएगा नहीं रिजल्ट्स को, डेरिवेशन में आपको याद रखने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बट रिजल्ट्स को याद रखना है। ओके, ये ज्योमेट्रिकल सेंटर, और इसका हाइट मार्क कर लेते हैं, हाइट के टर्म्स में इसको याद रखते हैं, बेस के टर्म, बेस का रेडियस मैटर नहीं करता है। This is COM, and hollow के लिए height का 1/3 पे होता है, मतलब बिल्कुल triangle की तरह, और ये जो है इसका total height h है, और ये अगर solid होता तो ये h/4 पे होता। ये सब आपने शायद लिख रखा होगा, अगर लिखा हुआ है तो अच्छी बात है, जिनका नहीं लिखा हुआ है जल्दी से लिख लेना इनको। चलो बिन के एप्लीकेशन, एक एक छोटा सा एक एप्लीकेशन करते हैं। अ यूनिफॉर्म सॉलिड हेमिस्फीयर एंड अ यूनिफॉर्म सॉलिड कोन ऑफ हाइट h. are placed with their flat base in contact. Both have radius r. Both have
radius r and are made of same material. एक ही material का भी बना हुआ है. आपको पूछा उन्होंने find h is to r, h और r का radius क्या होगा, such that their common center of mass, their center of mass, their COM, their combined COM लिखना चाहिए, combined COM lies at मुझे कुछ समझ नहीं आपने क्या पूछा, आपकी आवाज नहीं आई. चलो आप खुद से ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करो जल्दी से, आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, खुद से अटेम्प्ट करो. नहीं बेटा, कौन बोल रहे हैं आप, एक बार नाम बताइए. नहीं बेटा, 3:2 नहीं होगा. ये देखो इधर, इसमें तो ये दोनों ही सॉलिड है, ये पूरा का पूरा सॉलिड ही है. तो आपको कोन का और हेमिस्फीयर का दोनों का सेंटर ऑफ मास का लोकेशन पता है ना, डू वी नो दैट? देखो तो पहला चीज तो लाइन ऑफ सिमेट्री आपको ड्रॉ करना चाहिए. लाइन ऑफ सिमेट्री यही है ना, दिस इज द लाइन ऑफ सिमेट्री, राइट? यस सर, यस सर. और इस केस में आपको ये पता है कि अगर मैं हेमिस्फीयर के लिए निकालूं, इसको मैं सी वन कह लेते हैं, इधर से अगर डिस्टेंस मार्क करते तो ये डिस्टेंस कितना होता, 3r/8 होता या नहीं होता? होता. और अगर हम कोन के लिए मार्क करते सी टू, तो ये कितने दूर पे होता, h/4 पे होता, होता? यस सर. अब देखो कंबाइंड COM आपको कहाँ पे चाहिए, बीच में चाहिए, हाँ सर, है ना? आपको याद है जब आप दो पॉइंट मास के लिए सेंटर ऑफ मास बीच में कहीं मानते हैं, तो बीच से इधर का जो डिस्टेंस है और बीच से जो इधर का डिस्टेंस है, m1 r1 और m2 r2 सेम होना चाहिए, याद है आपको? हाँ सर, हाँ सर. तो आप क्या लिखते हैं यहाँ पे, मास m1 into 3r/8 दिस शुड बी इक्वल टू मास m2 into h/4 लिखते हैं सर? यस सर, ठीक है. दूसरी चीज, अब मास प्रोपोर्शनल टू क्या होगी, वॉल्यूम होगी, क्योंकि डेंसिटी तो दोनों के लिए सेम है ना. उसने क्या कह रखा है, सेम मटेरियल है, देखो आपको दे रखा उन्होंने,
ये देखो क्या सेम मेटल, देखो सेम मेटल दे रखा है, और सेम मेटल मतलब कि डेंसिटी सेम होगा। इससे आप ये कंक्लूजन ड्रॉ करोगे कि बेसिकली दोनों डेंसिटी सेम है, डेंसिटी आइडेंटिकल होगा, और डेंसिटी आइडेंटिकल होने से यही मतलब निकलता है कि मास प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम आएगी। ठीक है, मास को कैसे निकालते हैं, डेंसिटी टू वॉल्यूम करके, तो डेंसिटी सेम है ही तो डायरेक्टली वॉल्यूम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस केस में अब इसका नेक्स्ट स्टेप क्या बनेगा कि वी वन इंटू थ्री आर बाई एट, थ्री आर बाई टू लिख लेते हैं, इज इक्वल टू वी टू इंटू एच, ऐसा लिख सकते हैं क्या? ठीक है, और वी वन क्या है, वी वन इज फॉर हेमिस्फीयर, मतलब टू थर्ड पाई आर क्यूब इंटू थ्री आर, सॉरी थ्री आर बाई टू, दैट शुड बी इक्वल टू, अभी कौन का, कौन इज वन थर्ड पाई आर स्क्वायर एच इंटू एच। यहाँ से देखो कुछ कट रही है क्या, ये टू कट गई, यहाँ से थ्री थ्री कट गया, यहाँ से पाई भी कट गया, और थ्री एच। ओके देखो यहाँ से एच इज टू आर, ये आपका रूट थ्री आ गया, देखो रूट थ्री हो गया। देखिए आपको किसी को कंफ्यूजन, किसी को कंफ्यूजन है बेटा? सर ये आपने दोनों का वॉल्यूम सेम क्यों किया एक बार फिर से बताएंगे, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। वॉल्यूम कहाँ सेम किया मैंने, अरे वी वन वी टू लिखा है तो वॉल्यूम कहाँ सेम है, कहाँ वॉल्यूम सेम लिया बेटा? ओके सर उस तरफ एच बाई फोर होगा ना, किस तरफ, राइट साइड में, किस तरफ, और लेफ्ट साइड में क्या थ्री आर बाई एट नहीं होना चाहिए, ये नहीं दिख रहा आपको? ओ हाँ, अरे एक साइड सिर्फ दिख रहा है, दूसरा साइड देख ही नहीं रहे आप। ठीक है अभी, ठीक है अभी बेटा? हाँ सर ठीक है। देखो नेक्स्ट पेज, फाइंडिंग आउट लोकेशन ऑफ सी ओ एम इन कटिंग आउट क्वेश्चंस, कटिंग आउट क्वेश्चंस, कटिंग आउट क्वेश्चंस मतलब कि कोई भी एक रेगुलर फिगर होती है, उस रेगुलर फिगर से वो क्या करते हैं कि एक पोर्शन को काट के बाहर निकाल देते हैं, और उसके बाद जो रिमेनिंग पोर्शन होती है उसके लिए वो सेंटर ऑफ मास को कैलकुलेट करने के लिए बोलते हैं कि बताओ कहां पे आएगी। तो अभी जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल में जैसे जैसे सोच के देखो, जैसे इमेजिन करो कि हमने क्या कर रखा है, इमेजिन करो कि एक डिस्क ले रखा है, ठीक है एक डिस्क है, और उस डिस्क से हमने क्या किया, थोड़ा साइड हटा के एक और डिस्क को बाहर निकाल दिया, ठीक है ऐसे बाहर निकाल दिया। तो बाहर जब आप इसका निकाल देंगे तो इस केस में इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ है रिमेनिंग पोर्शन का, वो तो आपको इजीली पता नहीं चलेगा, देख के पता नहीं चलेगा। मैं आपको समझाता हूँ, देखो क्या है, जैसे ये सोच के देखो कि ये कंप्लीट फिगर है, ये कंप्लीट फिगर है, और इस कंप्लीट फिगर से हमने क्या किया, सपोजली एक ऐसा एक पोर्शन बाहर निकाल दिया, ठीक है एक सर्कल का पोर्शन बाहर निकाल दिया है। इमेजिन करो कि आपको बाकी पोर्शन मैंने दे रखा है सॉलिड है, ये बाकी पोर्शन आपका सॉलिड है, सिर्फ जो काट के बाहर निकाला है अब वहां पे हॉलो हो गया है, बाकी सॉलिड है। ये वजह से ठीक है। अब इसके लिए मैंने आपको पूछा कि बताओ सीओएम कहां पे लाई करेगी, आपको जो डेटा दिया होगा मतलब कि इसकी रेडियस, मान लो कि आपको बड़े वाले डिस्क की रेडियस आपको आर दे रखी है एंड छोटे वाले डिस्क की रेडियस आपको स्मॉल आर दे रखी है, एंड साथ में आपको एक और डेटा भी दे रखा है, और इन दोनों का जो सेंटर है, इन दोनों का सेंटर, इनके बीच में भी डिस्टेंस मान लो आपको दे रखा है, लेट अस से ये आपका सी दे रखा है, और मैंने आपको बोला कि बताओ इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा। हाँ बोलो बेटा। हाँ सर इसको जरा रिपीट करें, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, मैंने कुछ किया ही नहीं है अभी, अभी तो बस बता रहा हूँ कि हाँ यहाँ पे एक डायग्राम दिखाया है जहाँ पे एक रेगुलर फिगर से एक छोटा सा पोर्शन काट के बाहर निकाल दिया है, और उसके बाद से पूछ रहा है कि सेंटर ऑफ मास कहाँ पे, डेटास दिखा रखा है, अभी कुछ बोला ही नहीं है। तो अभी देखो यहाँ पे मतलब वाइट पोर्शन कट दिया गया, हाँ हाँ काट के बाहर निकाल दिया, एक बड़े डिस्क से छोटा सा डिस्क बाहर काट के बाहर निकाल दिया, ठीक है
ठीक है, तो अब इसका सेंटर ऑफ मास आपको लोकेट करना है कहाँ पे है। तो इसमें देखो सबसे पहली चीज तो यही है कि लाइन ऑफ सिमेट्री सबसे पहला चीज ध्यान रखो, हमेशा सेंटर ऑफ मास में लाइन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करती है नहीं, सबसे पहला चीज यही ध्यान रखो। क्या आपको लाइन ऑफ सिमेट्री दिख रही है? हाँ सर। क्या आपको लाइन ऑफ सिमेट्री दिख रही है? हाँ। दिख रही है ना सबको, इसको हम लाइन ऑफ सिमेट्री कह सकते हैं। यस सर। ठीक है, दिस विल बी द लाइन ऑफ सिमेट्री। इसमें इसमें बताओ हेवियर पोर्शन किस तरफ है, लेफ्ट की तरफ है या राइट की तरफ है? लेफ्ट सर। लेफ्ट, लेफ्ट की तरफ। तो इसका मतलब सेंटर ऑफ मास पक्का है लेफ्ट की तरफ शिफ्टेड होगा। तो मैंने क्या किया, अपने सेंटर ऑफ मास को मान लिया कि यहाँ पे कहीं है, लेट अस से आपका सेंटर ऑफ मास जो है वो यहाँ पे है। ठीक है, अब ये कितना दूर पे, यही तो आपको निकालने का है। तो ये वाला डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है, ये डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है, ये आर कितनी दूर पे होगी ये फाइंड करना है। देखो तो एक बार चेक करो, आर वी सपोज टू फाइंड आउट दिस आर ओनली? यस सर। है ना, इससे पहले तक के क्वेश्चंस कैसे होते थे, इससे पहले तक जो मैंने आपको एग्जांपल दिखाया कि जिसमें आपको दो अलग अलग मासेस का इंडिविजुअल सेंटर ऑफ मास पता होता था और कंबाइंड का सीओएम आपको निकालना होता था, इस बार थोड़ा उल्टा है। उल्टा मतलब कि पहले से ही आपको एक पार्ट का सोचो, मतलब मतलब एक जो पार्ट का काट के बाहर निकाल दिया उसका सेंटर ऑफ मास पता था या नहीं पता था, जिसको काट के बाहर निकाला? हाँ सर पता था। उसका सेंटर ऑफ मास पता था, ठीक है, उसका सेंटर ऑफ मास आपको पता था, और उसके साथ जो कंप्लीट फिगर है, उसके साथ कंप्लीट फिगर, उसका भी सेंटर ऑफ मास आपको पता है? यस सर। बट इंडिविजुअली जो दूसरा वाला पार्ट बचा हुआ है उसका नहीं पता, यही तो एक क्वेश्चन है ना? तो क्यों ना ऐसा करें कि जो पार्ट मिसिंग है उस पार्ट को हम अपनी तरफ से फिल कर दें और उसके बाद सोचे कि कॉम्बाइंड सेंटर ऑफ मास तो ज्योमेट्रिकल सेंटर पे लाई करता, लाई करता, ठीक है। तो वही काम करो, अब इसका स्ट्रेटजी वही फिक्स स्ट्रेटजी हो गया। स्ट्रेटजी क्या रहेगा वो आपको समझा दिया मैंने कि अब आप क्या करना, इस तरह के क्वेश्चन में जो पार्ट कटा हुआ है, the part which is cut, आप उसको क्या करोगे, अपनी तरफ से फिल करोगे। ठीक है, इसको मैं अपनी तरफ से देखो फिल कर दे रहा हूँ, ठीक है, जस्ट इंडिकेट कर दे रहा हूँ दूसरे कलर से ताकि आपको समझ आए कि नो कि ये क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, ये हम अपनी तरफ से सॉल्व करने के लिए कर रहे हैं। मैंने इसको फिल कर दिया है, ठीक है, और अब मैं ऐसे सोच रहा हूँ, लेट अस से दिस इज पार्ट वन एंड दिस इज पार्ट टू। ठीक है, वन और टू का कंबाइंड सीएम कहाँ पे, यहाँ पे होगा? हाँ सर। कंबाइंड सीओएम ऑफ वन प्लस टू सिस्टम, ठीक है, वन और टू को मिला के जो सिस्टम बन रही है उसका कंबाइंड सीएम वहां पे होगा। तो देखो तो क्या मैं ये यूज कर सकता हूँ, देयरफॉर क्या मैं ये यूज कर सकता हूँ, एम वन आर वन शुड बी इक्वल टू एम टू आर टू सीओएम के रिस्पेक्ट में, कंबाइंड सीओएम के रिस्पेक्ट में, इधर से एम वन आर एम टू आर टू और इधर से एम वन आर वन सेम होना चाहिए। यस सर। गॉट इट। और सिंस ये टू डायमेंशनल फिगर है, डिस्क है, तो मास प्रोपोर्शनल टू एरिया होगा, मास विल बी प्रोपोर्शनल टू एरिया, क्यों, सिंस 2D ऑब्जेक्ट है, राइट? यस सर। है ना, तो इसका मतलब क्या मिलेगा हमारे पास, ए वन इंटू आर वन, आर वन मतलब कि वो जो डिस्टेंस आपको निकालनी है, दैट शुड बी इक्वल टू एम टू की जगह पे ए टू एंड इंटू उसका डिस्टेंस, और वो डिस्टेंस देखो सी दे रखा है, दिख रहा है आपको? यस सर। दिख रही है सर, ए वन ए टू की बस ले लिया, दो जगह ले लिया। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, अरे डेटा को चेंज कर देते हैं। अच्छा, इसको एक काम करते हैं, इसको आर नॉट लिख देते हैं या आर सी कर देते हैं, सबस्क्रिप्ट में आर सी लिख देते हैं, ठीक है, आर सी लिख देते हैं, ठीक है, अब ठीक है, ये आर सी हो जाएगा अभी, ठीक है बेटा? यस सर। ठीक है ना, हाँ, अभी देखो यहाँ पे, तो अब एरिया ए वन, ए वन मतलब जो येलो पोर्शन दिख रहा है उसका एरिया चाहिए, तो इसके एरिया निकालने के लिए आपको क्या करनी पड़ेगी, पाई आर स्क्वायर माइनस ऑफ स्मॉल आर स्क्वायर, ये आएगा क्या? हाँ सर। है ना, एंड इज इक्वल टू ए टू एरिया मतलब पाई आर स्क्वायर स्मॉल एंड इनटू सी, पाई तो कट जाएगा और देखो आपको आर सी मिल गया, आर सी कितनी आ रही है, आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर एंड इनटू सी, क्या आंसर हो गया, समझ आया सबको, समझ आ रही क्या करना है सर? और एक बार बता देंगे प्रोसेस, मतलब फिल इन करने के बाद क्या, अगर सी नहीं दिया होता है तो हमको क्या,
सी नहीं दिया तो कैसे निकालोगे, कहाँ पे काटा ये इम्पोर्टेंट है ना, कहाँ पे काट के निकाला, जब वही नहीं दोगे तो क्वेश्चन कैसे निकालोगे। देखो मैं एक बार जल्दी से बोल देता हूँ कि आपको करना क्या है इसमें। जो भी पोर्शन काट के बाहर निकाल दिया उसके बाद सेंटर ऑफ मास निकालना है आपको, तो वो ऑब्वियसली आपको पता नहीं है तभी तो निकालना है। इस तरह के क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि जो पार्ट उसने काट के बाहर निकाला है अपनी तरफ से उस पार्ट को फिल कर दो, तो फिल कर दोगे तो आपको दिखेगा कि कंप्लीट ऑब्जेक्ट बन गया है, और कंप्लीट ऑब्जेक्ट का कंबाइंड सीएम आपको पता है कहाँ पे, वो उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे लाई करेगा। और जिसको काट के बाहर निकाला उसका भी सीएम पता है, तो उसको मान लो पार्ट वन है और दूसरे वाले को मान लो पार्ट टू है, या उल्टा भी मान सकते हैं कि जो पहला वाला है जो दिया हुआ था उसको पार्ट वन मान लिया, जो दूसरा पार्ट आपने काट के बाहर निकाला उसको टू मान लिया। तो पार्ट वन का सीएम आपको पता नहीं है तो उसको ज्योमेट्रिकल सेंटर से एक सर्टेन डिस्टेंस पे मान लो, कि मान लेते हैं कि वो आर डिस्टेंस पे, कुछ भी एक आर डिस्टेंस पे, तो यहाँ से एम वन आर वन और एम टू आर टू सेम होना चाहिए, बस एग्जैक्टली यही कंसेप्ट को यूज करना है। ठीक है ठीक है, और सर, बस इसमें एक चीज का ध्यान रखना, जैसे इसमें टू डायमेंशनल फिगर है, ये टू डायमेंशनल फिगर के लिए हमने कहां पे मार्क किया है, मतलब मास प्रोपोर्शनल टू एरिया यूज किया है। अगर ये थ्री डायमेंशनल फिगर होता तो क्या करना पड़ता हमें, मास प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम यूज करते, समझ आइए। ठीक है, जैसे यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ मैं ताकि आपको ध्यान रहे, हैड इट बीन अ 3D फिगर, 3D ऑब्जेक्ट लिख लेते हैं, 3D ऑब्जेक्ट, देन यूज मास प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिए, जैसे एक ट्राई कर ही लो खुद से। ये रेडियस मान लो 2R का है और ये रेडियस मान लो R का है, ठीक है, और ये दे रखा है सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर विद कैविटी, कैविटी है। आपको इसका सीएम लोकेट करना है, जल्दी कैलकुलेशन करके देखो कितनी आ रही है, ज्योमेट्रिकल सेंटर से ऑब्वियसली आपको बताना है। R/7 आ रही है, हाँ सर, हाँ सर, R/7 आ रहा है, यस सर, यस सर, अच्छी बात है, और ठीक है देखते हैं अभी, ठीक है, जिनका नहीं आ रहा एक बार चेक कर लो। देखो सबसे पहला चीज है लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करना, लाइन ऑफ सिमेट्री सबसे पहले ड्रॉ किया करो, ये हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री है, दिस इज LOS, और इसमें हमने इधर तो सेंटर ऑफ मास नहीं मार्क करना है, ये सेंटर ऑफ मास होगा और ये डिस्टेंस अपने को पता नहीं है, वी डू नॉट नो दिस डिस्टेंस, इसको हमने आर मान लिया। ठीक है, हमने क्या किया, इस पोर्शन में जो पोर्शन में मिसिंग मास है उसको अपनी तरफ से फिल कर दिया, इसको फिल कर दिया। ठीक है, अब हम श्योर हो के कह सकते हैं कि अगर ये पार्ट वन है और ये पार्ट टू है तो क्या लिख सकते हैं, कॉम्बाइंड सीएम कहां पे होगा, उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे, राइट, है ना। तो इस केस में क्या लिखेंगे आप, m1 into r
should be equal to m2 into r. ये आएगा, देखो तो आएगा. हाँ सर. यस सर. और एक चीज सोच के देखो, मास प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम तो होना ही है, तो अगर रेडियस डबल करते हैं तो वॉल्यूम कितना गुना होगा? 8 गुना. आठ गुना, राइट? मतलब अगर आप सोच के देखो, अगर इसको m माना जाए तो क्या ये 7m होगा? होगा नहीं होगा? यस सर. क्योंकि m m plus 7m is 8m, राइट? है ना? यस सर. यस. तो इस केस में m1 की वैल्यू को मैंने m लिखा into r is equal to m2 की वैल्यू को 7m लिखा into small r, and therefore small r की वैल्यू कितनी हो गई है? r by 7, जो कि आपका करेक्ट आंसर है. ठीक है? Yes. Got it everybody? Yes sir. Okay. एक और एप्लीकेशन देखो. Supposedly ऐसा एक ट्रैक है, इमेजिन करो. ये सोचो एक ट्रैक दे रखा आपको. ये ट्रैक पूरा स्मूथ ट्रैक है. दिस इज अ स्मूथ ट्रैक. ठीक है? दिस ट्रैक इज सर्कुलर. ऊपर साइड में स्लांट में जो दिख रहा है वो सर्कुलर है, रेडियस आर का. और इसमें हमने क्या कर रखा है, एक चेन ऐसे लगा रखा है. दिस इज अ यूनिफॉर्म चेन. यूनिफॉर्म चेन एंड दिस इज स्मूथ सर्फेस. ठीक है? अभी हर जगह पे स्मूथ है. और क्वेश्चन दे रखा है, चेन इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट. चेन इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट. फाइंड मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन्ड बाय इट. कितना ये मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन करेगा ये निकालना है. करो देखो क्या है. सर, टू रूट अंडर आर बाय पाई जी. नहीं सर, रूट अंडर 2/π πr-2r. सर, रूट अंडर 2gr(1-2π). ये वाला ठीक लग रहा है, ये वाला ठीक लग रहा है. हाँ सर, यही है. ठीक है, चेक करो. अभी देखो इधर एक बार. देखो, आपको याद है मैंने बताया था एक चीज की, यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म मैंने जो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके लिए आपको सेंटर ऑफ मास के साथ कैलकुलेशंस करना पड़ता है. आपको याद है जब आप पोटेंशियल एनर्जी का चेंजेस लेते हैं? यू रिमेंबर दिस?
तो इस केस में इसका सेंटर ऑफ मास जो होगा वो कहाँ पे लाई करेगा, ये आपको याद है? कितने दूर पे था ये? Do you remember this? सर r sin theta by 2 by theta by 2 ही था ना? हाँ सर, हाँ सर, ये वाले डिस्टेंस अगर आप देखोगे तो वही r sin theta by 2 by theta by 2 उस फॉर्मूले को यूज करके अगर निकालोगे तो ये root 2 r by pi आ जाएगी। अगर आप कैलकुलेट करके देखोगे तो मिल जाएगा आपको, ठीक है? अब ये उसको सब्स्टिट्यूट नहीं कर रहा हूँ, आप देख लेना। अब इसका मतलब ये नहीं कि r by pi होना चाहिए, मैंने गलत बताया, 2√2 ही आएगा, 2√2 आएगा, ठीक है यार। अब इसमें अगर आप नोटिस करोगे तो इधर से अगर मैं ये वर्टिकल डिस्टेंस कैलकुलेट करूं, ये वाली डिस्टेंस, तो cos 45 हो जाएगा, तो मतलब 2√2r / pi into cos 45 मतलब 1/√2, ये √2 कट जाएगा, ये कितनी आ रही है 2r / pi आ रही है, दिख रही है आपको? दिस इज यूएम, ये सीएम का इनिशियल लोकेशन है। तो इस केस में जब ये चेन पूरा का पूरा हॉरिजॉन्टल सरफेस पे आ जाएगा तभी तो उसकी स्पीड मैक्सिमम होगी, होगी नहीं होगी? तो अगर आप नोटिस करोगे तो सेंटर ऑफ मास को कितना नीचे आना है, व्हाट इज द डिस्टेंस दैट द सेंटर ऑफ मास हैज टू कम डाउन? r - 2r/pi, ठीक है? तो इस केस में अब आपको क्या करना है, सो देयरफॉर हाफ ऑफ m into v max का स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू mg into r into 1 minus 2 by pi हो जाएगा। यहां से m कैंसिल्स आउट एंड वेलोसिटी v max आपको मिल गया, v max इज रूट अंडर 2gr into 1 minus 2 by pi, got it? Clear है सबको? Yes sir. Yes sir. ठीक है बेटा, ठीक। अच्छा एक चीज आपने नोटिस किया, ये 2r by pi सेमी सर्कल वाला रिजल्ट क्वार्टर सर्कल के लिए भी मैच कर रहा है, दिख रहा है आपको? दिख रहा है? Can you see this? Yes sir. जो आपको अगर रिजल्ट याद नहीं है, जैसे डायमीटर के रेस्पेक्ट में कितना ऊपर था ये याद किया था ना आपने, है ना? हाँ सर, हाँ सर। इसमें भी सोचो कि अगर एक सेमी सर्कल को कंप्लीट करते हैं, आप सेमी सर्कल को कंप्लीट करो, चाहे इधर से कंप्लीट करो या इधर से कंप्लीट करो, देखो ये तो क्वार्टर सर्कल दिखा रखा ना उन्होंने, ऐसे क्वार्टर सर्कल दिखाया है, राइट? यस सर, है ना? ऐसा क्वार्टर सर्कल है, इस क्वार्टर सर्कल को आप या तो इधर से कंप्लीट करो या तो इधर से कंप्लीट करो, तो सेमी सर्कल बनेगा ना? हाँ सर बनेगा, बनेगा। और उस क्वार्टर सर्कल के लिए जो डायमीटर बनेगा उस डायमीटर से देखो 2r / pi पे आ रहा है। क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हैं इसको एनालिटिकली क्यों मैच कर रहा है? एनालिटिकली एक्सप्लेन करने के लिए, मैथमेटिकली नहीं। सर हम लोग वहां पर वो एलिमेंटल मास दो तरफ लिए थे सर, यहां पर एक ही तरफ होगा, इसलिए पोजीशन वेक्टर ऑफ द सीओएम का कंपोनेंट हो जाएगा सर। पोजीशन वेक्टर का जो कोऑर्डिनेट्स आ रहा है बेटा, वही तो मैंने समझाया कि वो सेम आ रहा है, तो कंपोनेंट लेने की जरूरत कहां है? मुझे तो सिर्फ वो चाहिए, देखो मैं आपको समझाता हूँ, शायद आप क्वेश्चन एक्सप्लेन समझ नहीं पा रहे, देखो एक बार मैं समझाता हूँ, देखो इधर चेक करो, जैसे इधर एक बार स्क्रीन पे फोकस करो, जैसे से स्क्रीन हैंग कर गया, ये देखो ये सेमी सर्कल है, हम क्या कर रहे हैं इसको
दो क्वार्टर सर्कल में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, क्वार्टर सर्कल में डिवाइड किया हमने, राइट का क्वार्टर सर्कल और लेफ्ट का क्वार्टर सर्कल, तो एक जैसा ही है ना, है ही नहीं है? Yes, sir. Right? दोनों के लिए इंडिविजुअली अगर LOS ड्रॉ करते तो 45 डिग्री पे आता दोनों के इंडिविजुअल LOS. Yes, sir. 45 डिग्री का, राइट? तो ये देखो, ये है LOS फर्स्ट पार्ट के लिए और ये भी LOS आपका सेकंड पार्ट के लिए, ठीक है, स्पेसिफिकली LOS 1 एंड ये LOS 2, ठीक है, ये दो हाफ के लिए अकॉर्डिंगली, ठीक है, मैं एक लेफ्ट हाफ को एक अलग पार्ट मान रहा हूँ और राइट हाफ को अलग पार्ट मान रहा हूँ, ठीक है, और ये तो पक्का ये 45 डिग्री वाले पार्ट भी है, ठीक है. अभी आप ये सोच के देखो, अगर मैं इसका COM सपोजली यहाँ पे मानता हूँ, ठीक है, LOS 1 पे, तो करेस्पॉन्डिंगली जो दूसरे वाले का COM होगा क्या इसी लाइन पे होगा क्या? देखो, नहीं होगा, ये C1 और ये C2, और C1 C2 का कंबाइंड COM कहाँ पे होगा? यहाँ पे C1 प्लस C2 हो गया, है ना, बीच में. ये 1 प्लस 2 का कंबाइंड COM हो गया, हो गया, नहीं हो गया? हाँ सर. अब तुम ये बताओ मुझे, ये डिस्टेंस तुमको पता है या नहीं? सेमी सर्कल के लिए तो पता है ना, 2R by पाई. अब देखो इंडिविजुअली दोनों का भी सेम आ रहा है नहीं आ रहा है? 2R by पाई. आपको ठीक है, यही चीज मैं तब पूछ रहा था आपसे, ये चीज को एनालिटिकली आप एक्सप्लेन करते हैं. आप बोलते हैं कि जैसे दो हाफ है तो दोनों हाफ का जो वाई कोऑर्डिनेट ऑफ COM आएगा, मतलब विद रिस्पेक्ट टू डायमीटर, वो तो एक ही आएगा, मतलब 2R by पाई पे आएगा, क्योंकि दोनों तो सिमेट्रिकली लोकेटेड है. बस इतना ही बोलते हैं, आप काम खत्म हो जाता है. मतलब सर हम डायरेक्टली लिख सकते थे ये अगर नोटिस करते 2R by. हाँ, अगर आप नोटिस करते तो डायरेक्टली लिख सकते थे, मतलब आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती कि रूट टू टाइम्स ऑफ यू नो 2R by पाई लिखा एंड देन फिर आपने फिर कॉस 45 करके 1 by रूट टू लिया, तो ये जरूरत नहीं पड़ती आपको. मुझे ये पता था इसलिए मैंने मतलब मैं डायरेक्टली लिख सकता था, बट आपको नहीं पता था तो आपको कैलकुलेशन करना पड़ता. बट ठीक है, अब आपको सोचने का तरीका इसलिए शेयर किया क्योंकि नेक्स्ट टाइम से कम आप डायरेक्टली कर पाएंगे इसको, ठीक है ना? ठीक है, यस, ठीक है. चलो अभी हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास. ये इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है. मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास मतलब कि जैसे आपने पोजीशन वेक्टर को निकालना सीख लिया है, अब मान लो आपको वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास चाहिए, यू नीड वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ऐसा कुछ सिचुएशन सोचो. वेलोसिटी ऑफ COM चाहिए आपको, तो वेलोसिटी ऑफ COM निकालने के लिए आप क्या करोगे? सोचो VCM अगर चाहिए आपको, तो व्हाट यू डू इज पोजीशन वेक्टर को डिफरेंशिएट, ये तो करोगे ना, राइट? हाँ सर. करोगे? अभी सोच के देखो कि अब आपके पास पोजीशन वेक्टर निकालने का तो तरीका आपको ऑलरेडी पता था, आपको क्या करना था? समेशन ऑफ MIRI डिवाइडेड बाई समेशन MI, ये तो करना था आपको. अब अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूँ, मास तो चेंज नहीं कर रही है, तो जब आप डिफरेंशिएशन करोगे तो RI का ही डिफरेंशिएशन होगा, तो क्या बनेगा? समेशन ऑफ क्या मिलेगा ये पर? MI into DRI by DT and divided by summation of MI हो जाएगा. और DRI by DT क्या हो गया? Velocity of ith particle, तो ये हो गई summation of MI into VI and divided by summation of MI. ये देखो, ये velocity of center of mass हो गई है. This is the velocity of center of mass. अगर आप एक चीज नोटिस करोगे तो ये रिजल्ट बिल्कुल पोजीशन वेक्टर निकालने वाला जैसा ही है नहीं है? है? हाँ सर. M1 plus M2 V2, आप देखो exactly वही कर रहे हो. देखो आप यहाँ पे M1 into V1 vector plus M2 into V2 vector plus MN into VN vector and divided by total mass से divide कर दो बस. M1 plus M2 and plus करके MN तक divide कर दिया. ये equation लिखते वक्त ये चीज का ध्यान रखना कि velocity vector quantity है. तो जब आप सौरदीप आप annotation लगा रहे हैं क्या इस पे? सौरदीप आप annotation कर रहे हैं? हाँ सर, गलती से हो गया, हाथ लग गया हमारे. कोई बात नहीं बेटा, मिटा दीजिए उसको, कोई बात नहीं, मिटा दीजिए. वो annotations मैंने इसलिए ऑन कर रखा है ताकि कभी आपको जरूरत पड़े तो फिर आप वहाँ पे annotations कर सकें, कि जैसे आपको कुछ मुझे एक्सप्लेन करना है कि सर मैं यहाँ पे क्या कंफ्यूज कर रहा हूँ, तो वो आप कर सकें वहाँ पे, जब जरूरत पड़े तो करिए, ठीक है? एनीवे, देखो जरा
तो हमें क्या करना है यहाँ पे, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास हमने मार्क किया यहाँ पे, तो अकॉर्डिंगली m1 v1 plus m2 v2 करके हम डिवाइड बाय m1 plus m2 कर लेंगे। इसमें v1 v2 की जब आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये ध्यान रखना कि आपको डायरेक्शन का ध्यान रखना है, ठीक है, मतलब कि कौन किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है वो डायरेक्शन का भी आपको ध्यान रखना है। अगर सारा एक्स एक्सिस की तरफ ही हो रहा है, मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही सब हो रहा है, तो प्लस माइनस के साथ काम चल जाएगा। जैसे राइट का डायरेक्शन को आपने पॉजिटिव चूज कर लिया तो लेफ्ट का डायरेक्शन आपके लिए क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, तो प्लस माइनस के साथ काम चल जाएगा। बट अगर सपोजिटली कोई राइट की तरफ जा रहा है, कोई नीचे जा रहा है, तो इसमें प्लस माइनस से तो काम नहीं चलेगा, उसमें आपको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ऐसे करके डिवाइड करना पड़ेगा। तो आई कैप जे कैप वैसे अकॉर्डिंगली आपको कॉम्पोनेंट्स के साथ आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। आर यू गेटिंग इट? यस सर। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना कि जब आप इस फॉर्मूले को यूज करोगे तो डायरेक्शन नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ। ठीक है, व्हाइल सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज, व्हाइल सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज डायरेक्शन नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ इंडिविजुअल मासेस, इंडिविजुअल मासेस नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ, needs to be taken care of, ठीक है? Okay, चलो आपने यहाँ से velocity of center of mass निकालना सीखा। एक और अच्छी चीज ऑब्जर्व करो यहाँ पे, अगर सपोजली ये जो इस रिजल्ट का जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में समेशन ऑफ एम आई लिख रखा है, समेशन ऑफ एम आई क्या है, टोटल मास ही तो है ना, है ना? अगर वो टोटल मास वाला टर्म को हम एल एच एस में लेके चले जाए तो देखो अब एक्सप्रेशन आपको कैसा मिलेगा। देखो इस एक्सप्रेशन से ही देखो, मैं लिख रहा हूँ समेशन ऑफ एम आई इंटू वी सी ओ एम इज इक्वल टू समेशन ऑफ एम आई वी आई, ऐसा आ रहा है। समेशन ऑफ एम आई को मैंने लिख दिया टोटल मास, एम टोटल लिख देते हैं इसको, ठीक है, टोटल मास इंटू वी सी ओ एम इज इक्वल टू, इसको ऐसा लिख लिया एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू प्लस करके एड कर लिया एम एन वी एन। ठीक है, आप राइट साइड का टर्म पहले बताओ कि फिजिकली क्या इंडिकेट कर रहा हो, व्हाट इज द फिजिकल क्वांटिटी जो आप मेजर कर रहे हो राइट हैंड साइड में? हां सर, क्या बोले, मोमेंट? हां, राइट हैंड साइड में आप फिजिकली क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? डिफरेंट मास का मोमेंट, लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम कर रहे हैं या नहीं कर रहे? सर राइट, आपने m1 v1 m2 v2 m3 v3 सब का लेके वेक्टर सम कर दिया, तो बेसिकली आपने लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम निकाला है, यू हैव फाउंड आउट द लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। और LHS में देखोगे तो लीनियर मोमेंटम किसका है, सेंटर ऑफ मास का, दिख रही है आपको? यस सर। इसका मतलब अगर आपने सेंटर ऑफ मास का लीनियर मोमेंटम निकाला और अगर आपने पूरे सिस्टम का इंडिविजुअल मासेस का मोमेंटम निकाल के वेक्टर सम किया तो दोनों बातें क्या है, एक ही है, समझ आ रही है? ठीक है, तो इस रिजल्ट से हमें ये सीखने को मिल रहा है कि सिस्टम का लीनियर मोमेंटम कहने का मतलब क्या है, सेंटर ऑफ मास का लीनियर मोमेंटम, समझ आ रही है? यस सर। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखो आप, ये जो क्वांटिटी है एलएचएस वाला, दिस क्वांटिटी इज गिविंग मी लीनियर मोमेंटम ऑफ, लीनियर मोमेंटम ऑफ सीओएम, एंड जो आरएचएस वाला क्वांटिटी है वेक्टर सम ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ इंडिविजुअल मासेस, वेक्टर सम ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ इंडिविजुअल मासेस, इंडिविजुअल मासेस व्हिच इज इक्विवेलेंट टू द लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम, इक्वल टू लिख देते इक्विवेलेंट नहीं, इक्वल टू द लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम, लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम। ठीक है, चलो ये तो आपको पता चल गया। अब हम क्या कर रहे हैं, अब सपोजली आपको एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास चाहिए, व्हाट यू नीड इज एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, एक्सेलरेशन ऑफ सीओएम चाहिए। अब सिमिलर तरीके से भाई ए सीओएम चाहिए तो आपको क्या करना है, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करनी है, तो VCOM को आप डिफरेंशिएट करोगे टाइम के रिस्पेक्ट में। जब आपने इसको डिफरेंशिएट किया क्या मिलेगा, d बाई dt ऑफ, इसकी वैल्यू आपने ऑलरेडी निकाल रखी है, समेशन ऑफ MIVI एंड डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ MI। आप देख रहे हो ये भी फॉर्मूला वैसा ही बन जाएगा ना, बनेगा नहीं बनेगा, क्योंकि VI का डिफरेंशिएशन क्या बनेगा, AI बन जाएगा, राइट? इसका मतलब इस एक्सप्रेशन को मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ, ठीक है,
ACM जो आ रही है, this is coming out to be summation of mi ai and divided by summation of mi, यही आ रही है. तो ये आपका acceleration of center of mass के लिए भी exactly वही formula है जो आपका position vector और velocity of center of mass निकालने का है. एकदम कोई difference नहीं है formulas में, same formulas आप use कर रहे हो. ठीक है, इसी को आप मतलब expand करके लिखोगे तो वैसे ही लिखोगे, इतना लंबा चौड़ा लिखने का जरूरत नहीं होता. m1 a1 plus m2 a2 plus करके आप individual masses के लिए mn a n किया and divided by total mass कर दिया, m total कर लिया. ठीक है, अच्छा एक चीज और नोटिस करो आप. अगर मैं इस टोटल मास को सपोजेडली अगर LHS में लेके चले जाऊं, टोटल मास को LHS में लेके चले जाए, तो देखो आप क्या कर रहे हो यहाँ पे, m total into acceleration of center of mass is equal to m1 a1 plus m2 a2 plus mn a n. ठीक है, यहां तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं है? नो सर. ठीक है, अब बताओ मुझे कि आरएचएस में आप क्या फिजिकली कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हो सर? आरएचएस फोर्स ऑन सिस्टम, नेट फोर्स ऑन सिस्टम. गुड, क्योंकि m1 a1 जो क्वांटिटी है वो क्या है, नेट फोर्स ऑन m1 है. m2 a2 किस पे फोर्स है, नेट फोर्स ऑन m2 है. MN AN क्या है, नेट फोर्स ऑन MN है. तो ऐसे ही अगर सारे फोर्स सारे मासेस का सारा फोर्स ले लिया तो उस केस में आपको वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस मिल गया नहीं मिल गया? इसका मतलब क्या हुआ कि इस रिजल्ट से हमें क्या सीखने को मिल रहा है यहां से, इसको अगर मैं नेक्स्ट स्टेप में ऐसे लिखूं तो दिस इज बेसिकली एफ वन प्लस एफ टू प्लस करके आप एफ एन तक लिख लेंगे और इसको इन शॉर्ट ऑफ समेशन ऑफ एफ आई लिख सकते हैं, है ना, लिख सकते हैं, राइट? हां सर, हां सर. इसका मतलब आपको एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर, देखो अब आपका इक्वेशन कैसा बन रहा है, देखो समेशन ऑफ एफ आई इज इक्वल टू टोटल मास एंड इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास. क्या ये न्यूटन सेकंड लॉ है क्या, है ना? हां सर, न्यूटन सेकंड लॉ. अब तक जब आप लगाते थे, अब तक जब लगाते थे उसमें एक ही मास होता था, मतलब एक ही यू नो जो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट भी होता था उसमें ऐसा तो नहीं था कि डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स का अलग अलग एक्सेलरेशन आता था. एक ऑब्जेक्ट के जो अलग अलग पॉइंट है उनका भी सबका एक ही एक्सेलरेशन होता था, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशन मानते थे. जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है तो हम मानते थे ये पूरा का पूरा ट्रांसलेट करके जा रहा है, हम कभी भी ऐसे नहीं सोचते थे ये रोटेट करके आगे बढ़ रहा है, कैसे सोचते थे? नहीं ना, हम क्या मानते थे, प्योर ट्रांसलेशन ही मानते थे हम. ब्लॉक भी रखा हुआ था, हम सोचते थे पूरा का पूरा से ही फोर्स अप्लाई करते थे. एग्जैक्टली exactly. नहीं नहीं, उसमें आप देखो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स तो इंपॉर्टेंट ही नहीं है सेंटर ऑफ मास के लिए. क्या है, आपने लास्ट डे क्या सीखा था सेंटर ऑफ मास के लिए, क्या पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इंपॉर्टेंट है? नहीं नहीं है ना. फिर सेंटर ऑफ मास के लिए क्या मैटर करता है बताइए मुझे. सेंटर ऑफ मास के लिए अगर एक्सेलरेशन निकालना है, मतलब जो निकालना है आपको, तो क्या मैटर करता था? याद है दो ही चीज थी, एक है कि आपने कितना फोर्स लगाया और दूसरा है किस डायरेक्शन में लगाया. पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स तो इंपॉर्टेंट ही नहीं है उसके लिए. ये इक्वेशन भी अगर आप देखोगे तो वही चीज सजेस्ट कर रहा है. क्या सजेस्ट कर रहा है ये, आपने जब लेफ्ट हैंड साइड देखो इस इक्वेशन का क्या दिख रहा है, वेक्टर सम ऑफ ऑल दी फोर्सेस, राइट? हां, और वेक्टर सम ऑफ ऑल दी फोर्सेस क्या इस पे डिपेंड करता है कि कहां पे फोर्स लग रहा है? नहीं, ऑल टोटल ऑफ ऑल फोर्सेस रिजल्टेंट होता है, दैट्स इट. वेक्टर सम ले रखा है आपने, वेक्टर सम ऑफ ऑल दी फोर्सेस इज इक्वल टू मास टोटल इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास. तो अगर आपका सोचो कि इंडिविजुअल मासेस अलग अलग डायरेक्शन में भी जा रहे हो, मतलब जैसे एक सिस्टम ऑफ मासेस है और उसमें हर एक एलिमेंटल मास जो है वो अलग अलग डायरेक्शन में जा रहा है, तो उस केस में अगर आप सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन जानते हो कि सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन कितना है, तो उस केस में वेक्टर सम ऑफ ऑल दी फोर्सेस करो एंड दैट फोर्स विल बी नेसेसरीली इक्वल टू द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास. आपको समझ आ रही है क्या कह रहा हूं मैं? हाँ. ठीक है ना, ठीक है. तो ये चीज का आप ध्यान रखो, ये जो आपको मैंने सेंटर ऑफ मास का पहला क्लास में बताया था, मतलब लास्ट डे जो ट्यूसडे को बताया था, वो इस ये इक्वेशन उसी को जस्टिफाई कर रहा है कि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इंपॉर्टेंट ही नहीं, आप कहीं पे भी लगाओ फोर्स सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन हर बार एक ही आएगा. आर यू गेटिंग इट? यस यस. ठीक है, तो जिसका ध्यान रखना, ये जो नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन आप लिखते हो, ये सेंटर ऑफ मास के लिए हम लिखते हैं. Okay.
ये इक्वेशन क्या सजेस्ट कर रहा है मैं बस वो लिख देता हूँ, ठीक है, वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन सिस्टम ऑफ मासेस, सिस्टम ऑफ मासेस अंडर कंसिडरेशन इज इक्वल टू मास ऑफ दिस सिस्टम मल्टीप्लाइड विथ एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, सपोजली आपको ऐसा एक सिचुएशन दिखता है जहां पे हम कह रहे हैं कि वेक्टर सम ऑफ ऑल दी फोर्सेस जीरो आ जा रहा है, मतलब एक्सटर्नल फोर्सेस है ही नहीं, इंटरनल फोर्सेस से फैक्ट कर रहे हैं, मतलब एक्शन रिएक्शन वाले पेयर्स ही सिर्फ दिख रहे हैं, जैसे दो ब्लॉक को आपने कनेक्ट करके स्प्रिंग से ऐसे खींच के छोड़ दिया, तो खींच के जब आपने छोड़ दिया तो उस केस में स्प्रिंग फोर्स जो इधर पे लग रहा होगा जो इधर पे लग रहा होगा वो तो एक ही लगेगा ना दोनों पे, लगेगा नहीं राइट? तो वो अगर सिस्टम के लिए देखोगे तो क्या है, इंटरनल फोर्स है, इंटरनल फोर्सेस की वजह से सेंटर ऑफ मास कभी एक्सेलरेट नहीं कर सकता है क्योंकि इंटरनल फोर्सेस हमेशा पेयर में होगा, एक्शन रिएक्शन दोनों होगा, ठीक है, तो उस केस में वेक्टर सम उनका जीरो होगा। इससे आप ये सीख रहे हो कि सेंटर ऑफ मास एक्सेलरेट जब भी करेगा तो एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से एक्सेलरेट करेगा, इंटरनल फोर्सेस की वजह से कभी भी सेंटर ऑफ मास एक्सेलरेट नहीं कर सकती है। समझ आ रही है आपको? हाँ सर। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना, COM cannot accelerate accelerate due to internal forces since they exist in pair, मतलब कि action reaction vectorially becomes zero। ठीक है, अब मान लो मैं आपको ये बता दिया कि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, मतलब एक्सटर्नल फोर्स का वेक्टर सम जीरो दिख रहा है आपको, तो अगर एक्सटर्नल फोर्सेस का वेक्टर सम जीरो इसका मतलब सेंटर ऑफ मास एक्सेलरेट नहीं कर सकती है, है ना? और अगर सेंटर ऑफ मास एक्सेलरेट नहीं कर सकती, इसके दो पॉसिबिलिटीज है, या तो सेंटर ऑफ मास पहले से मूव कर रहा था या फिर सेंटर ऑफ मास पहले से स्टेशनरी था। अगर सेंटर ऑफ मास पहले से मूव कर रहा था तो जिस वेलोसिटी से वो मूव कर रहा था उसी वेलोसिटी से वो कंटिन्यूअसली मूव करता रहेगा। इंडिविजुअल मासेस अपनी वेलोसिटी चेंज कर सकते हैं, वो इंटरनल फोर्सेस की वजह से कर रहे हैं, बट सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी आप कभी भी चेंज नहीं कर पाएंगे। समझ आया आपको? हाँ सर। ठीक है, और दूसरा केस ये है कि सेंटर ऑफ मास अगर पहले से रेस्ट पे था तो वो बाद में भी आपका रेस्ट पे पड़ा रहेगा। अगर पहले कोई भी मास अगर रेस्ट पे था तो बाद में भी वो जो मास होगा वो आपका रेस्ट पे ही पड़ा रहेगा। ठीक है, अब ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के लिए, ये जो मैंने आपको बात बताई अभी, ये क्वेश्चंस के लिए काफी इम्पोर्टेंट एक पॉइंट है, इसको मैं अलग से लिख दे रहा हूं, अब ध्यान रखना। ठीक है, इफ द वेक्टर सम ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेज इज जीरो, forces is zero, then acceleration of center of mass आपकी zero आएगी, और acceleration of center of mass zero आ रही है इसका मतलब velocity of center of mass आपकी constant रहेगी, और ये constant रहने में भी दो possibilities हैं। दो possibilities क्या हैं? ये center of mass पहले से आपका stationary था या फिर पहले से moving था। COM was initially at रेस्ट, अगर ये रेस्ट था, ठीक है, पहले से रेस्ट पे है, तो इससे क्या कंक्लूजन निकलेगा? इट विल कंटिन्यू टू रिमेन एट रेस्ट इवन दो द इंडिविजुअल मासेस ऑफ सिस्टम may change their velocity due to internal forces। ठीक है, सो इस केस में m1 v1 plus
एम टू वी टू प्लस एम एन वी एन, ये क्या आएगा? जीरो आएगा नहीं आएगा? आएगा ये जीरो, क्योंकि वीसीएम जीरो होना है, और वीसीएम निकालने के लिए आप क्या करते हैं, एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू डिवाइडेड बाई एम वन प्लस एम टू प्लस एम एन इक्वल टू जीरो करोगे तो डिनोमिनेटर तो वैसे भी राइट हैंड साइड में जाकर जीरो हो जाएगा, तो बेसिकली ये सिचुएशन दिखेगा, ठीक है? ऑल्सो इससे एक और चीज आपको पता चलेगी, ऑल्सो इससे एक और क्या चीज पता चल रही है, सिंस वीसीएम आपके जीरो है, सोचो सिंस वीसीएम जीरो है तो क्या आपकी पोजिशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास चेंज कर सकती है? सिंस वीसीएम जीरो है, इससे आपको ये पता चलेगा कि पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आपकी कांस्टेंट होनी चाहिए, ये आपकी चेंज नहीं कर सकती है। इंडिविजुअल मासेस अपना पोजीशन चेंज कर सकते हैं, बट पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास आपकी चेंज नहीं करेगी। इसका मतलब क्या निकला? इसका मतलब चेंज इन पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास ये कितनी होनी चाहिए? जीरो होनी चाहिए। यस सर। इसका मतलब आपके पास क्या फॉर्मूला बन रहा है यहाँ पे? चेंज मतलब चेंज के लिए फॉर्मूला क्या, सीएम के लिए फॉर्मूला क्या था? समेशन ऑफ एम आई आर आई RI and divided by summation MI, इसका change equal to zero होना चाहिए। और change mass तो change कर नहीं रहा है, तो क्या लिखेंगे आप? Summation of MI into delta RI, this should be equal to क्या आएगा? Zero आएगा। मतलब आपका formula क्या बना? M1 into delta R1 plus M2 into sorry delta R2 and plus करके जितने भी masses हैं MN into delta RN, इनका सबका sum zero होना चाहिए। आपको समझ आई है? हाँ सर। यस सर। यहाँ पे डेल्टा आर वन डेल्टा टू डेल्टा आर थ्री डेल्टा आर एन ये क्या है? चेंज इन पोजीशन वेक्टर ऑफ इंडिविजुअल मास। इंडिविजुअल पोजीशन वेक्टर का चेंज ध्यान रखना, अगेन डायरेक्शन का ध्यान रखना पड़ेगा। मतलब कोई अगर राइट की तरफ जा रहा है और दूसरा लेफ्ट की तरफ जा रहा है तो एक को आपने पॉजिटिव लिया तो दूसरे को नेगेटिव लेना पड़ेगा। आर यू गेटिंग इट? हाँ सर। ठीक है, डायरेक्शन का हमेशा ध्यान रखना, जितने भी वेक्टर क्वांटिटीज हैं उनका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते वक्त डायरेक्शन का हमेशा ध्यान रखना। डायरेक्शन अगर छोड़ोगे तो पक्का है क्वेश्चन गलत हो जाएगा, पक्का गलत होगा 100%। शांतोनील तुमको पता है ना, एक एक आज आप डाउट एक पूछा था ना, उसमें डायरेक्शन छोड़ा था ना? यस सर। हां हां सर। एक्सपेक्टेड नहीं है वो कि आप डायरेक्शन हमेशा छोड़े, है ना? देखो इधर चेक करो। हाँ सो इसमें देखो यहाँ पे, सो इस केस में आपको ये पता चल रहा है डेल्टा आर वन डेल्टा आर टू डेल्टा आर एन आर द चेंज इन पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ इंडिविजुअल मासेस, इंडिविजुअल मासेस, ठीक है? ये इंडिविजुअल मासेस आपके पोजीशन वेक्टर को चेंज करते हैं। ओके, ये तो मैंने आपको एक केस बताया जिसमें सीएम पहले से रेस्ट पे है, बट दूसरा केस ये है कि सीएम पहले से मूविंग था, सीएम वाज इनिशियली मूविंग। तो इस केस में आप क्या कंक्लूजन ड्रॉ करोगे? इट विल कंटिन्यू टू मूव, इट विल कंटिन्यू टू मूव with same velocity, with same velocity without undergoing any change in velocity, ठीक है? मतलब क्योंकि एक्सेलरेट ही नहीं कर रहा था, वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। एंड फिर से ध्यान रखना, इंडिविजुअल मासेस अपनी वेलोसिटी को चेंज कर सकते हैं, ठीक है? यस सर। ठीक है, यस, ठीक है बेटा। अभी जो अभी तक आपको पढ़ा है उन पे बेस करके थोड़ा सा आपको एप्लीकेशन कराता हूं। A uniform circular ring is
spinning. About an axis passing through geometrical center and perpendicular to plane of ring with an angular velocity of omega, given m comma r mass or radius भी दी हुई है. Find पहला tension in ring. Ring में tension कितना होगा ये आपको निकालना है, ठीक है. दूसरी आपको find करनी है. एक और चीज क्या है, हाँ, स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ वन हाफ ऑफ रिंग ये आपको निकालनी है. मैं कर रहा हूं, चेक करो इसको. क्वेश्चन जो दे रखा है उन्होंने कुछ ऐसा है, जैसे आपके पास एक सेमी सर्कल, एक फुल रिंग बना रखा हमने. यस सर. और ये अपने एक्सिस के अबाउट मान लो घूम रहा है सर, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूम रहा है. अब इस केस में इसका अगर आप टॉप व्यू देखोगे, टॉप व्यू सोचो बनाओगे अगर, तो टॉप व्यू में क्या देखना है आपको, व्हाट यू सी इन टॉप व्यू इज अ कंप्लीट सर्कल. ऐसा ही देखिएगा ना, देखिएगा आपको. हाँ सर. और इस टॉप व्यू में ये अगर इसका देखो, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा क्या, इसके अबाउट ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से स्पिन कर रहा होगा, यही होगा. ठीक है, इसको एक ये करो, कैसे चेंज हो गया. अभी देखो आप, इसमें उन्होंने पूछा है कि इस रिंग में टेंशन कितना है ये निकालना है. आपको पता है ना, रिंग अगर टेंशन निकालना है तो आपको रिंग को काट के तो अलग करना पड़ेगा ना, करना पड़ेगा नहीं है ना, काट के तो टेंशन कैसे निकलेगा, कहीं से तो काटोगे ना उसको, तभी तो टेंशन निकलेगा. हाँ सर. ठीक है, तो आपको काटना ही पड़ेगा बीच में कहीं ना कहीं. तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ पे व्हाट आई एम डूइंग इज, मैं सिर्फ और सिर्फ इसका एक हाफ कंसिडर कर रहा हूँ. ठीक है, मैं सिर्फ एक हाफ कंसिडर कर रहा हूँ. इमेजिन करो कि मैं इसका दूसरा हाफ कंसीडर नहीं कर रहा हूँ. ठीक है, क्योंकि आपको टेंशन निकालना है, तो टेंशन निकालने के लिए तो आपको बेसिकली किसी एक पार्ट, छोटा सा पार्ट ड्रॉ करते या बड़ा पार्ट ड्रॉ करते. मैंने एक सेमी सर्कल क्यों लिया, क्योंकि देखो मुझे सेमी सर्कल के लिए ये पता है, सेमी सर्कल के लिए मुझे ये पता है कि जो उसका सेंटर ऑफ मास है वो कहाँ पे है, ये पता है या नहीं पता है मुझे. डू वी नो दैट, टू आर बाई पाई. तो इस केस में अगर आप सोचोगे यहाँ पे, इस केस में अगर आप सोचते तो यहां से ऐसा मार्क करें, अगर ये डिस्टेंस अपने को पता है, दिस इज 2r / π, तो इस केस में देखो तो एक हाफ का सेंटर ऑफ मास COM ऑफ सेमी सर्कल है ये. ठीक है, तो इस केस में क्या ये सेमी सर्कल जो COM है, क्या वो 2r / π के सर्कल में घूम रहा है क्या, देखो तो. हाँ सर. देखो एक बार चेक करो. हाँ सर. तो सीओएम अगर 2r / π सर्कल के घूमे घूम रहा है, तो उसके पास कितनी एक्सेलरेशन है बता सकते हैं मुझे, कितने की है ओमेगा स्क्वायर इनटू ये वाला डिस्टेंस टू स्मॉल r लिख सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर इनटू स्मॉल r लिख सकते हैं, देखो तो है ना. हाँ सर. अब ये एक्सेलरेशन उसको कौन दे रहा होगा, इंटरनल फोर्सेस दे रहा होगा, मतलब जो दूसरा हाफ का रिंग है उसका फोर्स, और वो तो आपको पता है टेंशन जनरेट कर रहा है. देखो यहाँ पे एक टेंशन यहाँ पे अलोंग द लेंथ और एक टेंशन यहाँ पे, क्या यही दोनों टेंशन मिलके दे रहा है कि नहीं उसको एक्सेलरेशन, दिख रही है. देखो टेंशन का डायरेक्शन किस तरफ है, टेंशन का डायरेक्शन इस तरफ है और एक्सेलरेशन भी देखो इस तरफ है, तो फोर्स का डायरेक्शन एक्सेलरेशन से मैच कर रहा है. तो कंडीशन क्या लिखोगे, 2t
इज इक्वल टू उसका मास कितना है m by 2 1 half के लिए into omega square into radius which is 2 r by pi. दिख रही है आपको? यहां से देखो 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा एंड आपके पास टेंशन की वैल्यू मिल गई है. टेंशन कितनी आ गई? m omega square into r divided by 2 pi. देखा आपको सर ये t का डायरेक्शन दोनों तरफ इस तरफ क्यों हो रहा है? नहीं तो स्ट्रेचिंग फोर्स ही है ना. टेंशन तो स्ट्रेचिंग फोर्स ही है. पुल करता है या नहीं करता है? टेंशन क्या करता है? पुल नहीं करता है क्या? तो फिर एक हाफ दूसरे हाफ को क्या करेगा? पुल नहीं करेगा. पुल ही तो करेगा. देखो एक हाफ दूसरे हाफ को पुल कर रहा है. वही तो दिखाया मैंने. तुम अगर उल्टा दिखा दोगे तो फिर तुम कॉम्प्रेसिव फोर्सेस का दिखा रहे हो. टेंशन तो खींचता है ना. ठीक है ठीक है. चलो आपको पहला पार्ट का तो आंसर मिल गया. आपको टेंशन मिल चुका है. ठीक है, यू हैव गॉट द टेंशन. दूसरा चीज देखो, उसने पूछा है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा. स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास पूछा है तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ही पूछा है, वन हाफ ऑफ द रिंग का. तो देखो तो आपको सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी दिख रहा है क्या? डायग्राम चेक करो. देखो तो सीएम का वेलोसिटी ये है क्या? रेड पेन से देखो मार्क कर रहा हूं मैं, ओमेगा इनटू आर, दैट्स इट. तो इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कितनी हो गई? वी सीएम. ये हो गया आपकी ये वन हाफ के लिए. ठीक है, वन हाफ ऑफ रिंग के लिए. वन हाफ ऑफ रिंग्स वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास तो ये जाएगा ओमेगा इनटू आर, टू आर बाय पाई कर लेंगे. समझ आई सभी को? यस सर. यस सर. चलो गुड. हाँ सर. ठीक है बेटा, अच्छी बात है. इसको देखो, इमेजिन करो यहाँ पे दो फ्रेंड्स हैं. ये मास m1 का है और इससे एक सर्टन डिस्टेंस पे यहाँ पे मान लो मास m2 है. ठीक है, और इन दोनों के हाथ में एक कॉमन स्ट्रिंग पकड़ा दिया हमने. ये एक स्ट्रिंग पकड़ा हुआ इन्होंने, ये आप मान के चलो आइडियल स्ट्रिंग, आइडियल रोप है, मासलेस है. This is a massless rope दे रखा है. ठीक है, दोनों क्या करते हैं? दोनों तरफ से इसको खींच रहे हैं. ठीक है, आपको एक कंडीशन तो ये दिया हुआ है, m2 greater than m1 है, ये given है. और आपको ये दे रखा है initially both are at rest. Initially both at rest. ठीक है, अब पहला केस क्वेश्चन का ये दे रखा है, assume surface smooth. ठीक है, स्मूथ सरफेस ये उन्होंने दे रखा है. फाइंड द डिस्टेंस मूव्ड बाय डिस्टेंस मूव्ड बाय m1 टिल दे मीट. टिल दे मीट ड्यू टू पुलिंग फोर्सेस एट बोथ एंड्स. Pulling forces at both ends. Dusra, assuming rough mu diya hua hai, theek hai? In which direction will COM accelerate? If slipping takes place due to pulling forces at both ends. ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है ना? यस सर. क्वेश्चन क्लियर है बेटा? ठीक है, देखो पहले पार्ट पे आते हैं. पहले पार्ट पे उसने क्या क्या कंडीशंस दे रखा है. देखो दोनों केस में एक चीज कॉमन है, इनिशियली दोनों सिस्टम पूरा अपना रेस्ट पे है. और दूसरे जो पहला पार्ट है क्वेश्चन का, उसमें उसने ऑलरेडी एक और अच्छा कंडीशन दे रखा है कि स्मूथ सर्फेस है. स्मूथ सर्फेस होने से क्या कोई एक्सटर्नल फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसको मिलेगी सिस्टम को? नो सर, नहीं मिलेगी ना, क्योंकि फ्रिक्शन तो है ही नहीं. Thank you.
मैं ये कह रहा था कि फर्स्ट केस में जो दिया हुआ है आपको, उस केस में आपको ऑलरेडी स्मूथ सरफेस में दे रखा है और पहले से रेस्ट पे है, तो कंडीशंस हमेशा देखो कि एफ एक्सटर्नल आपको जीरो मिल रही है, एफ एक्सटर्नल नेट जो आपको सिस्टम पे मिल रही है वो जीरो मिल रही है, एंड ये भी दे रखा है इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास आपको जीरो मिल रही है। तो इससे आप क्या कंक्लूजन ड्रॉ करते हो कि चेंज इन पोजिशन वैक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास ये कितनी होनी चाहिए आपकी, जीरो होनी चाहिए ना, होनी चाहिए। हाँ सर, ठीक है। तो इस केस में सोच के देखो इन दोनों का कॉम्बाइन सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, M2 के क्लोजर, राइट। अच्छा ये आप ये मान के चलना कि M1 और M2 के बीच में जो डिस्टेंस है ना वो दिया हुआ है आपको, ठीक है, ये डिस्टेंस L मार्क कर लेते हैं, ठीक है। आप ये इक्वेशन के साथ पिकअप कर लेना डेटा, ये L दिया हुआ है, आंसर हमारा L के टर्म्स में होगा। तो कॉम्बाइन सीएम तो आपका कहाँ पे ही आपको पता है, ये अगर M1 की तरफ से देखें, M1 की तरफ से तो आपको पता है ये R1 कितना होता है, पता है ना आपको R1, M2 के प्रोपोर्शनल होता है, याद है आपको, M2 / M1 + M2। और इधर से M2 की तरफ से निकालें, हाँ M2 की तरफ से निकालें तो ये M1 के प्रोपोर्शनल आता है। तो isn't it obvious कि ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, इसी लाइन पे वो लोग आके मीट करेंगे। यस सर, ठीक है। इनिशियली जहां से भी उन्होंने स्टार्ट किया, इनिशियली जहां से भी स्टार्ट किया वो मैटर नहीं करता है, फाइनली जो लोग जो मीट करेंगे वो आपका सेंटर ऑफ मास पे ही मीट करेंगे, क्योंकि सेंटर ऑफ मास शिफ्ट नहीं कर सकती है। तो फाइनली दोनों को यहाँ पे पहुंचा दो आप, ये यहाँ पहुंच गया और ये यहाँ पहुंच गया, दिस इज M1 एंड दिस इज M2, आर यू गेटिंग इट? यस सर। अब बताओ मुझे, आप बताओ मुझे M1 कितना शिफ्ट किया, कितना R1, that's it। तो R1 का वैल्यू तो आपको पता ही है, R1 कितनी होती है, M2 by M1 plus M2 into L, ये हो जाएगा। समझ आ गया आपको? Yes sir, yes sir. Yes sir. जी sir. ठीक है, अभी दूसरे पार्ट पे आते हैं, ठीक है। दूसरे पार्ट में उसने इस बार दे रखा स्लिपिंग हो रही है, और अगर स्लिपिंग हो रही है तो फ्रिक्शन तो है इस बार, और फ्रिक्शन तो एक्सटर्नल फोर्स है, दोनों का मासेस अनइक्वल है, दोनों का मासेस अनइक्वल है, और दोनों के मासेस अगर अनइक्वल है सोचो, तो उस केस में फ्रिक्शन भी तो अनइक्वल जनरेट होगा। यस सर। इस केस में अगर ऐसा सिचुएशन हम दिखा रहे हैं, जैसे इनके हाथ में ये रोप है, तो इस केस में सोचो कि ठीक है, इसको तो इधर से एक पुलिंग फोर्स मिल रही होगी, इधर से पुलिंग फोर्स टेंशन मिल रही होगी, और इसको भी इधर से पुलिंग फोर्स टेंशन मिल रही होगी, ये तो इंटरनल है, टेंशन इज इंटरनल। बट अगर ये राइट की तरफ शिफ्ट कर रहा है, M1 अगर राइट की तरफ शिफ्ट कर रहा है विद सम वेलोसिटी v1, M2 अगर लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर रहा है विद सम वेलोसिटी v2, तो फ्रिक्शन जो एक्ट करेगा M1 पे वो तो आपका इधर लेफ्ट की तरफ एक्ट करेगा F1, which is mu times of M1g, और M2 पे जो एक्ट करेगा वो राइट की तरफ एक्ट करेगा F2, which is mu times of M2g, but M2 already उसने greater than M1 दे रखा है, तो F net on system किस तरफ आ रही है, F net कितनी होगी, F2 minus F1 होगी, नहीं होगी, right? है ना? Yes sir. और जिस तरफ आपका पता है आपको कि जिस तरफ नेट फोर्स होती है, नेट फोर्स टुवर्ड्स राइट है, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन भी आपका क्या होगा, राइट की तरफ होगा, एसीएम विल बी टुवर्ड्स राइट, है ना, इसका मतलब सीएम किधर शिफ्ट करेगा, राइट की तरफ, गॉट इट? यस सर। मतलब जो आपका हेवियर मास है उसी की तरफ आपका सेंटर ऑफ मास क्या होगा, शिफ्ट करता चला जाएगा, गॉट इट? क्लियर है सभी को? Yes sir. Yes sir. ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखो। कंसिडर अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन वेयर टू प्लैनेट्स of masses m and 2m are of radius r and 3r separated by center to center distance of 12r, center to center distance of 12r. They are initially at rest and start moving
under their mutual gravitational force. Mutual gravitational force. Find distance moved by M till they meet. Till they meet. देखो क्या आ रहा है, करो तो बताओ कितना आ रहा है. No. No. एट आर कब आंसर होता पता है आपको? सर फोर आर होगा. पता है कब होता? फोर आर पॉइंट मास नहीं होता सर. पॉइंट मास सर, पॉइंट मास होता तो एट आर होगा. यहाँ पर रेडियस कंसीडर करना पड़ेगा. हाँ यहाँ पे रेडियस कंसीडर करना पड़ेगा. आप कौन बोल रहे हैं बेटा, एक बार नाम बताइए, मैं आपको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा. सर अभिलाष. अभिलाष अभी सोच लाइए, देखिए क्या आ रहा है. काफी जो आइडेंटिफाई कर लिया आपने. सर 32 R/3. देखो बेटा कैलकुलेशन करके देखते हैं. देखो मुझे आंसर याद नहीं है, एक बार देख लो. बट वो 8 R नहीं होगा ये तो पक्का है. ओके देखो एक बार डायग्राम चेक करो. सभी ये डिस्टेंस उसने दे रखा है, दिस डिस्टेंस इज 12 R. और इनकी इंडिविजुअल रेडियस भी आपको दे रखी है, दिस इज R एंड दिस इज 3 R. ठीक है, अगर मैं थोड़ी देर के बाद का सिचुएशन दिखाऊं जब वो लोग मीट करेंगे, इतना तो पक्का है कि लाइटर मास ज्यादा मूव करेगा, है ना. हैवियर मास कम मूव करेगा ना. अच्छा ऐसे ही बन. तो मैं यहाँ पे लाइटर मास को ज्यादा मूव करा दिया मैंने, और हेवियर मास को मैं थोड़ा कम मूव करा दू. ठीक है, ऐसा सिचुएशन ड्रॉ कर लिया. देखो तो जो डिस्टेंस मूव बाय लाइटर मास है उसको अगर मैंने एक्स मान लिया है, तो दूसरे का डिस्प्लेसमेंट क्या 12 R-X है या 9 R-6? नहीं सर, नहीं सॉरी 4 R है ना. 3 R+ R 4 R है तो ये 8 R-6 होगा, है ना. ओके हाँ सर 4 R. रेडियस कितना दिया था आपको, R और 3 R ही दिया था. हाँ ठीक है. देखो ये डिस्टेंस तो आपका 4 R है, तो फिर 12 R में से पहले 4 R सब्ट्रैक्ट करेंगे, उसके बाद तो काम करेंगे. तो अब तो आपको मिल गया. देखो देखो लेफ्ट वाले मास का राइट की तरफ डिस्प्लेसमेंट हुआ है और राइट वाले मास का लेफ्ट की तरफ डिस्प्लेसमेंट हुआ है, और आपको पता है कि m1 into delta r1 plus m2 into delta r2 ये वेक्टोरियली कर रहे हैं. ठीक है, this has to be equal to 0. इसका मतलब m1 into, मतलब m1 तो आपका m है, into x plus के साथ, ठीक है, plus m2 which is 2m and into negative of 8 R-X. This has to be equal to 0. समझ आई आपको? मैंने राइट का डायरेक्शन को पॉजिटिव चूज किया, ठीक है? I have taken right direction as positive. अब यहाँ से देखो ये mm cancel out हो गया और यहाँ से आ रही है 3x is equal to 16 R आ रही है. नहीं नहीं एक चीज हो गया, माइनस माइनस प्लस, हाँ ठीक है 3x 16 R. x का वैल्यू हो गया 16 R/3. मैच कर लिया. ठीक है, किसी का शायद आया भी था 16 R/3, कोई बोल रहे थे ना बेटा आंसर, कोई कह रहे थे ना 16 R/3. नहीं बोल रहे थे क्या? 32 R/3 बोला था क्या आपने? हाँ सर हमने 32 R/3 बोला. तो क्या क्या गलती की आपने, कहाँ पे मिस्टेक हुआ? सर मैंने तो
उन दोनों के सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है वो मैंने 12 आर ले लिया था. अच्छा. और उसके बाद उसके साथ 4 फिर से 4 आर ऐड किया था. नहीं, सेंटर के बीच का डिस्टेंस तो 12 आ रही है, तो फिर उसमें तो गलती नहीं हुआ कुछ. उसमें तो कोई गलती नहीं है कि वो सेंटर दोनों सेंटर के बीच का डिस्टेंस है. कौन सा डिस्टेंस को 12 आर तो सेंटर के बीच का डिस्टेंस है बेटा. देखो डायग्राम को एक बार. 12 आर तो सेंटर के बीच का डिस्टेंस लिया था सर. आपने क्या सरफेस से डिस्टेंस ले लिया था 12 आर? हां सर, कहीं. हां ओके. आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना, डायग्राम बना के किया करो. कभी भी बिना डायग्राम का क्वेश्चन नहीं सॉल्व किया करो, कभी नहीं करेंगे काम. ठीक है? ठीक है. कभी भी बिना डायग्राम का क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे. हाँ.